लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। महाबकवास है। क्या हुआ बेटे, अचानक क्यों उठ गया? मैंने सपने में एक फिल्म डायरेक्ट की माँ। हाँ? वो रिलीज हो गई, पब्लिक मस्त हो गई और सबको फिल्म जबरदस्त लगी, लेकिन एक ने बहुत बकवास कहा। माँ, ये तेरी फिल्म का बकवास कहा? मेरे बेटे की फिल्म की बुराई करता है कौन है वो? मुझे बता, मैं देख लूंगी। बड़ा है मेरे बेटे की फिल्म की बुराई करने वाला। बताऊंगा। अब क्या सो जाओ माँ, मेरे बेटे की फिल्म को बकवास कहता है। निश्चिंत होकर सो जाओ माँ। बेटा, तू जिस डायरेक्टर के पास काम कर रहा है उससे सब कुछ जल्दी सीख ले। तुझे उससे भी बड़ा डायरेक्टर बनना है। नहीं बनूंगा तो भी कोई परवाह नहीं माँ, लेकिन उसके जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा। नमस्ते सर। नमस्कार। डायलॉग बोलना आता है? आता है सर। हाँ तो बोलो। कितने दूर से भूखे प्यास से यहाँ आते हैं हम लोग, जानते हो? और तुम कुत्तों जैसे व्यवहार करते हो हमारे साथ। ठीक बोला ना सर। ए चलो चलो हट जाओ, चलो साइड साइड में दो, साइड 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 हट जाओ, हट जाओ, बाजू साइड दो। आइए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तैयारी आइए सर, सब तैयार है सर। ए चलो हटो हटो। गुड मॉर्निंग सर। सर 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 प्लीज सुनिए सर। ये दिखता नहीं क्या सर बिजी है? सर सर पागल सर। तुम सर को देखकर इतना पागल क्यों हो जाते हो सर? क्या है सर, प्लीज 5 मिनट सर। अभी नहीं, बाद में आना। सर प्लीज 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 हाथ जोड़ो। देखता नहीं तुम्हारे जैसे कितने लोग बाहर खड़े हैं। जाओ बाहर, हमारा टाइम बर्बाद मत करो। सर तू रुक क्यों रहा है? सर मैं तो तुझसे भूखा सर। इसे खाना खिलाओ, बाहर भेज दो। सर आपके अगली फिल्म में काम मिलेगा ना सर? कोशिश करते रहो, काम जरूर देंगे ना सर। ऑफिस पर आकर मिलो सर। सर आपका नाम क्या है? द ग्रेट डायरेक्टर इंद्रजीत पांडे से तुम उनका नाम पूछता है? भेजा खराब है तेरा, नाम जाने बिना अंदर कैसे आ गया तू? बाहर निकल, चल बाहर निकल। मैं हूं ना, चल निकल, चल बाहर निकल, चल। सर 47 में अंदर जा, पहले तुम भी जाओ। ठीक है सर। आप रेडी हो ना सर? हाँ मैं रेडी हूँ। सब कुछ रेडी है सर? क्लैपिंग, साउंड रोलिंग, 21 टेक 1, क्लैप, एक्शन। की हुई कमिटमेंट से मैं पीछे नहीं हटता। कट इट। इंद्रजीत सर, डायलॉग्स पावरफुल है। पब्लिक के टेस्ट के हिसाब से चैलेंज का सामना करना पड़ता है। दिल पर छा जाने वाले डायलॉग्स होने चाहिए जो पब्लिक के जहन में बैठ जाए। दे वांट कि हम लोग उनके नब्ज को पकड़ कर रखे। आई नो हाउ टू प्ले कबड्डी विद द पब्लिक। और एक बार जानते हो, हमारे जैसा डायलॉग कोई नहीं बना सकता। सर सर सर, वो क्या है सर? मैं क्या हूँ,
ये मैं खुद ही नहीं जानता। अबे हम जानते हैं ना। क्या बनाया है सर, क्या डायलॉग्स पर आपका कमांड है सर, माइंड ब्लोइंग सर। कहानी पर कमांड, स्क्रिप्ट पर कमांड है, फाइट और डांस पर आपकी बनाई हुई हर चीज पर कमांड है सर, क्या बात है। इसे आता जाता कुछ नहीं, लेकिन मैनेज अच्छा करता है। उल्लू बनाने में मास्टर है। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। और सब कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है सर, लेकिन डायरेक्टर साहब बाकी शूटिंग अमेरिका में करना चाहते हैं। अमेरिका में? हाँ सर। अमेरिका में किस लिए? हाँ सर, वो गाने भी सुमोचिस ग्रैंड कैनियन में करना चाहते हैं। सुमोची ग्रेट? हाँ। पर वो है कहाँ? ऊपर है सर, फ्लोर पे। ऊपर अभी देखता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप फिल्म को अमेरिका में शूट करना चाहते हैं? हाँ जी, ग्रैंड कैनियन में शूट करना है। बहुत ग्रैंड लगेगा, उसी के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। अमेरिका में सुमो गाड़ी मिलेगी? डू वन थिंग, 20 सुमोज शायद हमें यहाँ से ले जाना होगा। सुना या नहीं, ध्यान से सुनो। सबको समझाना पड़ता है। 20 सुमो चाहिए या 40 चलेगा? हाँ, ये तो डिस्कशन करके आपको बताएंगे। चलो जल्दी करो। हाँ, क्या बात है? रिहर्सल के लिए सारे डांसर आ गए हैं। एक लड़की को ड्रेस का प्रॉब्लम है, जाके जरा देखो। कौन है जो ड्रेस पहनने के लिए मना कर रही है? वो देखिए सर। ये तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ड्रेस ठीक नहीं है सर, हिप से बहुत लो है। यहाँ किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या मैं समझ नहीं सकता। हमें इतना चीप मत समझिए सर। I'm not comfortable with the dress. हेलो, ये शूटिंग है, यहाँ ऐसे ही होता है। तुम्हें यहाँ आना है तो ड्रेस पहन कर आओ, नहीं तो बाहर जाओ। यहाँ आकर ये सब नाटक नहीं चलेगा, समझी? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। इधर आओ। हाँ सर। उस लड़की का प्रॉब्लम क्या है? बहुत टाइम वेस्ट कर रही है वो। सब लड़कियां तैयार है और ये ड्रेस पहनने से मना कर रही है। तुम उसे जाकर समझाओ। जा। तुझे सर। ओके सर। पहले तो नाटक कर रही थी, आप कैसे पहन लिया? मजबूरी है, पेट में आग लगी है, इसीलिए पहना है सर। आई नो, तुम्हारी प्रॉब्लम है समझता हूं। यहां भी ये सब करना पड़ता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? संध्या। ओके, रेडी गर्ल्स? रेडी रेडी, चलो। तेरे को समझा रहा इधर इधर का जगह खाली करने का। हम क्या करो तुम लोग? इधर छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरे को। इधर छोड़ो, छोड़ो। मेरा नाम यादव है, मैंने बोला था ना तेरी जगह पे कब्जा कर लूंगा। लेकिन ये जमीन तो मेरी है, थोड़ा परमिशन भी लिया है मैंने। अबे कमीने, कब्जा बोले तो वही न रहे, ये जमीन तेरा था, अब मैं कब्जा कर लिया। मैं रारू है क्या? बच्ची को ले ले, इसको कब्जे में ले ले। छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मेरी टांग छोड़ो, मेरी टांग छोड़ो। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? इधर आ, इधर आ। ए, ए, ये कौन है? मालूम नहीं भाई। नहीं, छोड़ दो। चार नंबर पे चाय दे, फटका मार और चार नंबर पे चाय दे। अरे भाई चाय दे। हाँ भेज रहा हूँ। बड़ा थक गया हूँ यार। ए चार चाय ला यार। किसका शूटिंग है? कोई ई टीवी का सीरियल है यार, पद्मालय में शूट करना है। अरे दुखेलना। यार रवि, मुझे कोई ऐसा रोल दिला कि इंडस्ट्री में तहलका मच जाए। अरे तू इसकी चिंता मत कर, तुझे अच्छा रोल दिलवा दूंगा, समझा? मैं अमरीश पुरी की तरह विलेन बनना चाहता हूँ यार। बनना?
हाँ विलेन बनना चाहता हूँ। हाँ। विलेन बन के लड़कियों को अपने इशारे पर नचाना हाँ। चाहता हूँ और पूरी फिल्म में छा जाना चाहता हूँ, जैसे कि रजनीकांत अपनी हर फिल्म में छा जाता है। रजनी ओ अच्छा ये बात है। हाँ यार हाँ अन्नपूर्णा स्टूडियो के सेकंड फ्लोर पे भाई पाउडर डालूं? डालना डाल। तुम्हें पहले कहीं देखा है? कल मैं शूटिंग में आया था। हाँ बोलो बोलो फिर यहाँ क्यों आया? मैं आपको कुछ बताने आया हूँ सर। ए चाय बोल जरा। सुनो भाई हीरो को एड्स हुआ है सर। हाँ और हीरोइन को भी एड्स हुआ है, दोनों का लव चल रहा है। क्लाइमेक्स तक उनको एड्स रहेगा क्या? नहीं सर एड्स और बढ़ता चला जाएगा। फिर तो पिक्चर के लग गई। ये बात है, अगर यही किसी गीतांजलि फिल्म की स्टोरी होती तो आप लोग सब देखकर कहते ओ प्रिया प्रिया। तेरा स्टाइल अच्छा लगा, ऐसे जमा रहना। ये मेरा दावा है सर, बस एक मौका मिल जाए ना सर तो पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दूंगा। क्या हिला देगा तू? हिलाना इतना आसान नहीं है, तू समझ रहा है ना? फिल्म एक कैरम बोर्ड की तरह है, इसे हम यहाँ से मारते हैं तो श्योर पॉइंट है, ये तू भी जानता है मैं भी जानता हूँ, लेकिन हर बार नहीं। और समझने वाली बात यही है क्योंकि जब हम इसको ऐसे मारते हैं कॉन्सिक्वेंसेस कौन से किधर जाके नहीं पता, यही सिनेमा है। तू क्या समझता है? और मेरी फिल्म हिट हो गई, मैं डायरेक्टर बन गया, पैसा आ हाँ। गया। बेटा तू जा काम से फेरा। हमारे हीरो का मजाक उड़ाता है तू क्यों रे? ए बोतल दे। सुनने तेरे हीरो में और मेरे हीरो संबंध संबंध कैसा संबंध रे? अरे देख तो ये वही तो लड़का बोलता क्यों नहीं है, बोला हां भैया 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 हमारे हीरो पर कमेंट करता है पार्टनर का तू तेरी। अरे हमारे हीरो के आगे तेरे हीरो की क्या बराबरी हो सकती है, बोलना बोल। ए अरे झगड़ा मत कर, अरे निकल यहां से। हमारे हीरो के आगे उसका हीरो किस काम का हो सकता है? अरे बेवकूफ आपस में क्यों लड़ते हो? अरे उस हीरो से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम लोग लड़कर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? गाली काहे को देता है भाई, ये बालकनी का टिकट है, तुम लोग जाकर फिल्म का मजा लो भाई। अच्छा ये क्या बात कर रहेला भाई, अपुन तुमसे पैसे कैसे ले सकता है? तुम अपुन के बॉस के फिल्म में काम कर रहेला भाई, जब भी टिकट मांगता है अपुन को फोन लगाना बस। एक बार शूटिंग पर बॉस से जरूर मिला देना भाई, प्लीज भाई एक बार मिला दोगे ना भाई? मिला दूंगा। थैंक यू, सब लोग आ जाना। अपुन का हीरो जिंदाबाद, अपुन का हीरो जिंदाबाद। कुछ नहीं यार पिक्चर देखने आए हैं, लगता है अपने हीरो के फैन हैं। अरे ये अपने हीरो के दीवाने हो गए। क्या बात है? ओके सी यू, बाय बाय संध्या, बाय 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 श्वेता। ओ हाय। ओ हाय, कहाँ से? शूटिंग से आ रही हो? हाँ। किसकी? यश जी की। ओ अच्छा अपने यश जी की। हाँ उन्हीं की। वो तुम्हारे ग्रुप में धनलक्ष्मी नाम की एक लड़की थी ना, वो अब क्यों नहीं आ रही है? धनलक्ष्मी तुम्हें इतनी पसंद है? अरे हमारे सारे यूनिट की पसंद है, हमारा सारा डायरेक्शन डिपार्टमेंट हीरोइन को छोड़कर उसे ही देखता है। उसकी तो शादी हो गई है। अच्छा अरे रे क्या उसकी शादी हो गई? प्रेग्नेंट भी हो गई। क्या क्या प्रेग्नेंट? तुम मैरिड हो? नहीं नहीं अभी नहीं। तुम्हारी उम्र क्या है? गधे की तरह लगता है अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, यही कहना चाहती हूँ। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, आपका फोन नंबर इधर तो मैं फीड कर देता हूँ। अच्छा तुम रहती कहाँ? मिल्लत नगर में। मैं भी मिल्लत नगर में रहता हूँ। थैंक यू। इधर आ। क्या करता है तू? असिस्टेंट डायरेक्टर हूं। ये कौन है? डांसर। फिल्मी डांसर है या क्लब डांसर? फिल्मी डांसर। नाम क्या है? संध्या। संध्या आएगी क्या? क्या क्या कहा? माल दूंगा तो आएगी क्या? नहीं। तेरे को कैसा मालूम? वो आ भी सकती है। मैं जानता हूं नहीं आएगी। ये फिल्मी लड़कियां पैसा देने पर आती है ना? ये नीचे क्या देखता है? ऊपर देख, पूछ ले, अगर आएगी तो पूछ कर मेरे को बता। चल बोट। संध्या आओ। मैं तो सोच रही थी कि तुम उसे मार ही डालोगे। ये क्या फिल्म समझ रही हो? देखा कैसा सांड की तरह था, हाथ पैर निकाल देगा।
बेटा ये तो सब ठीक है, मगर यशराज फिल्म्स, रेड चिली जैसे बड़े बड़े बैनर के लिए तो कोशिश क्यों नहीं करता है? कोशिश कर रहा हूँ माँ, लेकिन मिलना भी तो चाहिए, उसके लिए टाइम लगेगा। क्या टाइम लगेगा? तुझे सब कुछ मिलेगा। देखो, तुम डायरेक्टर बनने के बाद अपना नाम कैसा देखना चाहोगे? अपने महेश भट्ट की फिल्मों की तरह तू ऐसा कुछ बड़ा प्लान क्यों नहीं करता है? मुझे ऐसे बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर क्यों परेशान करती हो माँ? अरे बेटा, हेलो, हाय, एक बार खिड़की की तरफ देखो। खिड़की? हाय। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल ही हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं और कल ही मैंने तुम्हें अपने घर में देखा था। तुम घर में अपनी माँ के साथ रहते हो? हे रुको, तुम मेरी बहन को क्यों मार रहे हो? ए, तुम चुप रहो, तुम्हारी बहन किससे बात कर रही थी? तुम किससे बात कर रही थी बुलबुल? रात को फोन का मतलब क्या है? कौन था फोन पर? हा? कौन था फोन पर? क्यों मार रहे हो उसे? यानी अभी यहाँ आए हुए एक ही दिन हुआ और तुझे मार खाता हुआ देखकर यहाँ के टपोरी परेशान हो रहे हैं। एक फोन पर है और एक सामने खड़ा है, क्या स्पीड है तेरी? हाँ, पहले तेरी शादी करूंगा, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, फिर कभी किसी से अगर बात की तो तुझे। क्यों भाई हीरो, तेरी क्या प्रॉब्लम है? ये मेरी साली है, मैं इसको मारूं चाहे कुछ भी करो या फिर टेरेस से गिराकर मार दो, तुम इसके बारे में चिंता करके खुद को हीरो और मुझे विलन समझने की भूल मत कर देना। खबरदार, चलो निकलो यहाँ से, तुम लोग अंदर जाओ। छी, वो कोई बदतमीज आदमी लगता है, उसे हमें क्या लेना, चलो अंदर चलो। है सुन, सिगरेट का पैकेट। समझे तुम? क्यों, ठीक है ना? क्या म्यूजिक सेंस है सर, क्या म्यूजिक सेंस है सर, क्या म्यूजिक सेंस है सर, कॉमन सेंस बेवकूफ। मुश्किल से इस तार ही खंडर में परमिशन मिला है सर, और डायरेक्टर साहब इन दीवारों को तोड़ने के लिए कह रहे हैं सर, लेकिन आर के आरओ जी डिपार्टमेंट वाले को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे सर, आप ही समझाइए सर। तुम एक काम करो, वो जैसा बोलता है वैसा ही करो, तुम लोग आर्कियोलॉजी वालों से मैं बात करता हूं। है। सर पर ये चोट कैसी? कल रात उन्होंने फेर मारा। असल में वो है कौन? मेरे जीजा है, मेरी दीदी जूनियर आर्टिस्ट है, उन्हें किसी शूटिंग में मिल गए थे, उनसे कहा हीरोइन बनाऊंगा और अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। दीदी ने धोखे में आकर उनसे शादी कर ली और तब से वो हम दोनों के सिर पर बोझ बनकर पड़ा हुआ है, बहुत परेशान करता है हमें, रोजाना पीता है, मारता है और पैसे लेकर हमें बेच देना चाहता है। दीदी के लिए मुझे ये सब सहना पड़ता है। मेरी दीदी के लिए कोई अच्छा काम ढूंढ सकते हो? हमारे फिल्म में नर्स का रोल है, करेगी? नर्स का? क्यों? हर फिल्म में उसे नर्स का ही कैरेक्टर मिलता है, उसने ड्रेस भी बनवा लिया है। चढ़ता है पारा, इश्क का ओ यारा, जब चढ़ता है पारा, इश्क का ओ यारा, लगता सारा जहां प्यारा, ले ले तू भी यारा, जन्नत का सुख सारा, रुक रुक ना आजा दिलदारा। जीना क्या इसके बिन, मरना क्या, वो बंदा क्या जिया जिसने ये ना किया।
के चल जाए रे, हर पल मस्ती ही मस्ती दीवाना पाए रे, इश्क में आ तू झूम ले, दोनों जहां तू घूम ले, ले भर ले प्यार तू भी मर के जी ले यार, तू भी मत होशी में अपने दिल भर को चूम ले, लाके है ये चार पल चारे, कौन क्या हो कल पल पल जीने की अदा तू सीख ले, है इश्क गुना पर मान ना तू कर कोई मना, हो जा किसी पे तू भी बना, इसकी राहें सबसे जुदा, इनमें तू हो जा गुमशुदा, इसमें भी मिलता है खुदा, जब चढ़ता है पारा इश्क का ओ यारा, लगता सारा जहां प्यारा, का सॉन्ग क्या है और लिरिक्स क्या है, तुम कैसे बेवकूफ को डायरेक्टर हो, क्या लिखवाया तुमने, तुम्हें बेकार में मैंने रखा है, अगली बार मैंने तुम्हें अपनी फिल्म में बुलाया तो अपनी चप्पल से मार देना बेवकूफ। रवि सर, 1978 में आरके स्टूडियो में बॉबी की शूटिंग चल रही थी, किसी ने बताया गेट के पास कोई लड़का बेहोश पड़ा है, मैंने उसके मुंह पर पानी डाला, नाश्ता कराया और अंदर ले आया, ये वही है, ये मुझे गाली दे और मेरा सुनना, क्या ये ठीक है? वो सब तो ठीक है गुरुजी, हम उसके लिए थोड़ी नहीं आए हैं, डायरेक्शन के लिए आए हैं। यस कूल कूल गुरुजी कूल। सर बिल क्या कहा, पैसे किससे बात कर रहा है जानता है तू, यादव को जानता है तू, यादव का आदमी हूँ मैं, यादव के आदमी से पैसा पूछने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हा? तू कौन है रे, तू कौन है बे, जानते है कौन है यादव भाई? उस दिन आप जिस डांसर संध्या के बारे में पूछ रहे थे, ये उसका जीजा है। ऐसा है? ए, इधर आ। मैं? फिर तू नहीं मारोगे ना भाई? तेरा नाम क्या है? राम बाबू भाई। राम बाबू, आज से तू यादव का आदमी है। ये, अगर बिल नहीं दिया तो पूछने का नहीं, समझा क्या? चल बोट। ये क्या भाई, पहली मुलाकात में इतनी फ्रेंडशिप हो गई? मैं तेरे को बहुत लाइक करता हूं। आपको मैं पसंद हूँ या मेरी साली पसंद है भाई? मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ भाई। भाई की सेटिंग अपनी साली के साथ करा दे। वो तो कभी की मेरी समझ में आ गया। ए, और एक पैक बना के दे रहे। कट इट। ओके। अरे रे रे, शोर मत मचाओ यार। ए पाटिल, क्या भाई लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो, शूटिंग चल रही है यहाँ पर। सॉरी भाई। तुम लोगों की बस यही प्रॉब्लम होती है, शोर मत मचाओ यार, जरा साइलेंस रखो।
रखो यार भाई, एक्शन में अपने हीरो को देखकर अपन लोग चुप नहीं रह सकते भाई। अरे यार, रे, 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 शो मत बचाओ, शो मत बचाओ, प्लीज यार, प्लीज, शॉट चल रहा है यार। बस यहाँ थोड़ा सा लेफ्ट में। हाँ मैडम, सीन ये है कि मेरे पास डेट्स नहीं है। टेक करते हैं सर, सब तैयार है। क्लैपिंग, क्लैप, स्टार्ट साउंड, रोलिंग, एक्शन। हे, तूने अगर मेरी बहन को कुछ किया, सॉरी सॉरी सॉरी, आई फॉरगॉट द डायलॉग। हीरोइन के बिस्लरी बॉर्डर का खर्च ढाई लाख हुआ सर। हे प्रोड्यूसर साहब, यहीं बैठे हैं यार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाय कैंट प्रेसिडेंट, कैसे हो? ठीक हूँ सर। इस बार आपको फिल्म का प्रिंट्स बढ़ाना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कीजिए सर, फिल्म सुपरहिट होना मांगता है सर। हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि फिल्म सुपरहिट हो, हम इसी कोशिश में लगे हैं। लेकिन सुनो, तुम लोग जाकर अपने हीरो को समझाओ, फिल्म 175 डेज चले और सुपरहिट होनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम लोग जाओ जाओ, अपने हीरो से मिलो, जाओ। हाँ जाओ जाओ, इस बिल को हीरोइन के नाम लिख देंगे सर। क्या है यार, ए तू जा रे, जा जा, ए जाना जा। अरे चाय तो दे के जा पहले, चाय दे, चाय तो दे। फाइटर्स को रिहर्सल के लिए बुलाओ, आपके फैंस हैं, बुलाओ। ए पाटिल आजा। रुको रुको, रुक जाओ, ये सब किस लिए है? सर आज ही के दिन 4 साल पहले आपकी फिल्म रिलीज हुई, 175 डेज चली सर। आज एक और रिलीज होने वाली है, हमको सेलिब्रेट करने दो सर। ए चाकू दे, हाँ इधर ला। अरे रे रे रे, क्या कर रहा है तू? भाई बॉस को पिछले साल 2 बार ऐसे ही तिलक लगाया था भाई, अपुन हर बार बॉस को ऐसे ही तिलक लगाएगा भाई। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? लगाने दो ना भाई, ये सब मुझे को भाई तू जानता नहीं। अपुन को एक बार तिलक लगाने दो ना भाई, एक बार बस ये। ए वीर आर्टिस्ट एसोसिएशन, बस पटेल बस करो, जाओ 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 जाओ। सबने खा लिया? हां ठीक है ठीक है। अरे एमएस सर, हीरोइन कहां है? अंदर है सर। अच्छा अंदर है, किसी को यहां आने मत देना। ठीक है सर, मैं मीटिंग में हूं। ओके सर। सर 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 सर, ए मेरी बात, अंदर हीरोइन के साथ रो रहा है, रोने दो उसे, समझे? नहीं सर, इस सीन में अभी उसका टाइम सही चल रहा है, इन दोनों के बीच कोई अफेयर नहीं है। लेकिन पब्लिक को ये बताना चाहता है कि उन दोनों के बीच कोई अफेयर है। ए ए ए, फाइटर्स रेडी है क्या? कुछ नहीं सर। हाय डार्लिंग, हाय स्वीटहार्ट, आई मिस यू सो मच। मैं कल ही तो तुमसे मिली थी। मैं तुम्हें छोड़कर एक पल भी नहीं जी सकता। कल मैं US ट्रिप के लिए जा रही हूँ, शायद वहाँ 3 महीने लगेंगे। देन व्हाट विल यू डू? कैंसिल कर सकती हो ना प्लीज? नो डार्लिंग, आई हैव ऑलरेडी कमिटेड, पेमेंट भी बहुत अच्छी है। आई एम सो सॉरी डार्लिंग। डायरेक्टर साहब नमस्ते, अपने बॉस की फिल्म 175 डेज चलेगी सर। हाँ 100 डेज, 150 डेज, 175 डेज। हाँ सर। अरे बोलो तो। हाँ सर, ऐसे ही बनाऊंगा फिल्म की दुनिया याद है। हाँ सर। अभी अभी तो इधर था, पता नहीं कहाँ। हे इधर, तुम असिस्टेंट डायरेक्टर हो ना? जी सर। और एक काम बताता हूँ, अपने पहचान की एक कंपनी है, खाना देंगे पर पगार नहीं देंगे, करोगे क्या? नहीं सर। क्या? डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं करूंगा सर। ये तो बढ़िया झलक दे रहा है। हाँ सर, पहले कोई स्पॉट बॉय बोलता है, उसके बाद अप्रेंटिस बोलता है, और कोई एसोसिएट बोलता है, फिर एसोसिएट डायरेक्टर बोलता है, फिर को डायरेक्टर बोलता है। ये सब काम मैं नहीं कर सकता, मेरा तो खून खौल जाता है, समझे? यहाँ ये सब करने वाले बेवकूफ है सर। सर हाथ में ऐश डालिए। आज से मेरा नाम है मुर्गा दास उर्फ गजनी। हाँ तुम लोग भी ऐसे ही अपना नाम बदल लो। एक और जलाना भाई। मैं ये सब छोटे मोटे कामों में नहीं पढ़ना चाहता, और ना ही ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम करना चाहता हूँ। तुम? हाँ तुम दो दिन में इतना बदल गया है? तुम लोग क्या समझते हो, तुम लोग डायरेक्टर बन जाओगे? पिछला बाकी तो दे दो। वो तो मैंने दे दिया था कल ही, तुम्हारे जीजाजी 2000 रुपए लेकर गए। इस बार सामान तो कहाँ? नहीं, पिछला हिसाब चुकाओ और लेके जाओ। दो दिन में चुका दूंगी, सामान तो दे दो, अगली बार देर नहीं। पैसे दो और ले जाओ। तेरे को पैसा चाहिए, मेरे को तू चाहिए। आएगी क्या? ए, पहले इधर बात कर, पहले मुझे जवाब दे। सामान चाहिए? भूखी है ना? मुझे भी भूख लगी। ये कोई मामूली संध्या नहीं है। मेरे को क्या हो रहा है? कितनों को टपका दिया, कभी ऐसा नहीं हुआ। उठा कर लिया इसको, रेप कर रहने देना भाई। उसका जीजा जी बहुत बड़ा कमीना दलाल है, उससे बोलेंगे वो खुद लाके सुला देगा। सिगरेट 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 निकाल। जरा पेशेंट को अंदर भेजना। ओके सर। नमस्ते डॉक्टर। अब आपकी तबीयत कैसी है? बहुत खराब है, और कभी कभी खांसी भी आती है। खांसी के साथ कभी खून भी आया है?
एक बार आया था। आप अपने घर से किसी को बुला लीजिए, कुछ बात करनी है। परवाह नहीं, मुझे बताइए। आप अपने बच्चे को बुलाइए। कोई नहीं है डॉक्टर, क्या बात है मुझे बताइए, मुझ में सहने की शक्ति है। आपके लीवर में कैंसर है, कॉस्टली मेडिसिन के इस्तेमाल से इसे कम किया जा सकता है। आप ये खर्च उठा सकेंगे? मेडिसिन के बिना और कितना दिन जिंदा रह सकती हूँ? सीन ये है, हीरो आता है, दूर से कार आकर रुकती है, बगल में दो आदमी कुछ डिस्कस करते हुए नजर आते हैं। हीरो आहिस्ता आहिस्ता कार की तरफ आता है, डोर ओपन करता है। वो जैसे ही अंदर देखता है कार में डेड बॉडी होती है, लेकिन सतीश की नहीं, अरुण की। वाह, अरुण की, क्या सोच है तेरी यार, सुपर वंडरफुल। आगे सीन डिस्कशन हो रही है। हाँ बिल्कुल, आओ। एक ये और एक मेरी माँ, मैं कुछ भी कहूँ ये सुपर कहते हैं, इसलिए मैं इनको ही सुनाता रहता हूँ। क्यों, आज शूटिंग नहीं है क्या? नहीं, 10 days फ्री हूँ। फ्री समझ कर चुप मत रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। फिर क्या करूँ? देखो एक्टर की कुछ ना कुछ सोच होती है, इसके बिना जिंदगी अधूरी है। असल में तुम बनना क्या चाहती हो, कोरियोग्राफर या आइटम गर्ल? कोरियोग्राफर हो तो नए नए मूवमेंट्स कंपोज करने की सोच होनी चाहिए। आइटम गर्ल हो तो जिम अटेंड करो, एक्सरसाइज करो और बॉडी को अच्छे शेप में रखो, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। देखो अपना क्रेज क्या है इसके बारे में सोच लो, फिर उसके बारे में कुछ कर लो, ठीक है? देखो माँ भी आ गई। माँ तुम्हारा क्रेज क्या है बताओ, मतलब तुम्हारा गोल क्या है? मेरा गोल क्या हो सकता है बेटा, मेरा तो सपना है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा डायरेक्टर बने। सुपर, इसके लिए तुम क्या कर रही हो? मैं क्या करूं, मेरा बेटा टाइम पे खा रहा है या नहीं ये देखती हूँ। वो जब कोई कहानी लिखता है तो मैं मन ही मन बहुत खुश होती हूँ, और वो जब कुछ सोचता रहता है तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करती। अगर मेरी किसी बात से अगर वो डिस्टर्ब होता है तो वो बात उसे बताती ही नहीं। ये क्या माँ, तू इतने इमोशनल हो रही है? नहीं मेरी माँ, तू ये क्या कर रही है? ये तो क्या सोच रही है माँ, क्या सोच रही है तू? तेरा काम ही सही है यार, मैं तो चक्कर में फंसा हुआ हूँ। यहाँ पर डांसर वेटिंग में लगे हैं और वहाँ फाइटर्स होटल में पहले से बैठे हुए हैं, और ये सरफरा डायरेक्टर असेंबली में 1000 आदमियों को लेकर क्लाइमेक्स प्लान बना रहा है, और ये असेंबली के सामने बम ब्लास्ट कराना चाहता है, कौन परमिशन देगा इसे? रुक जाओ, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे उस असेंबली सीन का क्या हुआ? कुछ पता नहीं सर। आपका अपॉइंटमेंट चाहिए। किस लिए? एक सब्जेक्ट सुनाना चाहता हूँ। कैसा सब्जेक्ट? एक्शन थ्रिलर सर, आप अगर फ्री हो तो 1 घंटा टाइम चाहिए, मैं आकर सुनाऊंगा सर। रवि तू यहाँ क्या डिस्कशन कर रहा है? एक कहानी सुनाना चाहता हूँ सर। कहानी? कैसी कहानी? डायरेक्शन के लिए सर। डायरेक्शन? ये ले कर कर, तो यहाँ काम करने आया है या अपनी बकवास सुनाने आया है? तुम लोग डायरेक्शन को मजाक समझते हो? ऐसी बात नहीं सर, एक कहानी। कहानी? चल मुझे सुना। सुनो जी, अल्लाह साहब के लिए यहाँ बिठाओ इन्हें, अभी अपनी नौटंकी चालू करेंगे। हाँ बैठ, यहाँ बैठ। ए शूटिंग रोक दे रहे, और सब इधर आओ, चला रहे, बैठ जा सर। बैठो, बैठ जाइए सर। सर कहानी सुनाइए, कहानी सुनाइए। सुना क्या है तेरी बकवास, सुना सुना बोलना। सर एक छोटा सा गांव, गांव बस्ती टाउन सिटी का डिसीजन ले लो ना, मैं हूँ तू नहीं है। अब बोल। एक खिलती हुई मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग या खड़ी दोपहर या शाम को डिसाइड करने वाला मैं हूँ, तू नहीं है। ये काम तेरा है, आगे बोल। एक 18 साल की लड़की, 18, 36, 54 से तुझे क्या लेना देना, क्या लेना देना तुझे, चल अभी बोल। सुनो सब लोग, सुनो सुनो बोल। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। डर लग रहा है सर? क्यों डर लग रहा है? डर कैसे नहीं लगेगा सर, द ग्रेट जीनियस डायरेक्टर के सामने कहानी सुनाना कोई खेल है सर? ये भी बच्चा, बच्चा है, सर। ये तो बहुत बड़ा डायरेक्टर है। बोल 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 बोल। सर मुझे घबराहट सी हो रही है सर, मुझे यहाँ मेरे सामने सुनाने में तुझे घबराहट हो रही है तो क्या पब्लिक के सामने घंटा सुनाएगा? बोल। क्या म्यूजिक सेंस है सर, क्या म्यूजिक सेंस है सर? यहाँ म्यूजिक कहाँ से आ गया? बातों से रिदम छलक रहा है सर, क्या सोच है सर आपकी, क्या म्यूजिक सेंस है सर आपका? मैं समझ नहीं पाता ये सब आपने कहाँ से सीखा। हाय, क्या बात है बोलो? क्या कर रहे हैं डायरेक्टर साहब? सीन लिख रहा हूँ। क्या सीन है सर? लव सीन लिख रहा हूँ सर। लव सीन खिड़की बंद करके नहीं लिख सकते, खिड़की खोल कर लिखना होगा। जरा नीचे तो आओ, तुमसे बात करनी है। Ti conosco e lo so cosa pensi, non dirmi no.
custem os vão. Foram-se os tempos e agora te cala. Dinner ho gaya? Haan ho gaya. Ek kahani sunata hu. Kaisi hai batao? Hamesha kahani hi sunaoge. Lo, gaana suno. Ravi, तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? अब ये चालबाजियां छोड़ो, गर्लफ्रेंड है या नहीं ये पूछो, खैर आगे सुन लो, मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ ये सब पर फिलहाल कुछ नहीं है। सोचा था चार्ज हो जाएगा पर ये तो डाउन कुछ है। कहा? नो, तुम लव सीन भी लिखते हो? क्यों नहीं लिखता? तो उसमें हीरो हीरोइन की खूब मस्तियां भी होती होंगी? अरे खूब होती है। अब बाप रे, एडवांस लगता है। तुम्हारे हीरो हीरोइन लास्ट में मिलते हैं ना? नहीं नहीं, पहले मिलते हैं। अच्छा पहले मिलते हैं? लगता है समझ जाएगा। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी बातें नहीं समझता? अब तक इस इडियट ने कुछ नहीं किया, यही तुम्हारी फीलिंग है ना? मुझे भी लगता है तुम्हें काट कर खा जाऊं। हाँ। लेकिन मैं अपने मन को पूरे कंट्रोल में रखता हूं। देखो तुम्हारी बातें तुम्हारे पास रखो, मेरी बातें मैं अपने पास रखता हूं। ट्रस्ट मी, किसी दिन है ना, ये जो ऑटो दिख रहा है ना, हम दोनों को ले डूबने वाला है। रवि, सच देख लेना। रवि, तुम्हारा बर्थडे कब है? जनवरी 26। क्यों? मेरा तो कल ही है, यही तो बताने आई थी। ओह, 2 आवर्स के बाद संध्या फिर से पैदा होगी। अच्छा। सुनो, अच्छा? कल तो तुम्हारी शूटिंग नहीं है ना? तुम आओगे ना? बोलो ना, आओगे या नहीं? क्यों, संध्या को ढूंढ रहे हो क्या? ढूंढना क्या है, आईपॉड मेरा है। सारे आईपॉड एक जैसे होते हैं, समझे? तुम्हारा अंदाजा भी सही है, अब तक तो यही थी, अभी चली गई। लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है। और हाँ, घर जाकर उसे मारने की जरूरत नहीं है। देखो मारना नहीं, वरना हीरो आ जाएगा। ये तुम्हारा ही है, घर जाके अपनी साली को दे देना। और सुनो ब्रदर, उसे जरा संभाल के रखना। संभालना इसे नहीं, तुझे संभालना पड़ेगा। संध्या, संध्या, आओ पहले आरती ले लो। बदाज क्या खाओगी, सब तेरी पसंद का बना। भाग्यवान, भाग्यवान, तुम्हारे लिए भाई लोग आए हैं। अरे यादव भाई। मेरी बहन के लिए वो यहाँ क्यों आए? तुम्हारी बहन पे वो लोग फिदा हैं, इसे हैप्पी बर्थडे बोलने आए हैं, तुम्हारी बहन को कुछ देने आए हैं, हो सकता है इसको साथ में ले जाएं, मुझे क्या मालूम। तुम आदमी हो या जानवर? जो बोलूं वो सुना कर, कब कौन सी जगह कब्जा करके तेरी बहन के नाम पर लिख दें, तुझे क्या मालूम। नहीं जाऊंगी जीजा जी, दीदी को मारिए मत। आज इसका जन्मदिन नहीं है ना, मारूंगा तो भी चलेगा। मैं चलती हूँ जीजा जी। आ जाओ, आ जाओ मेरी सोना, तुम बहुत समझदार हो, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारा जीजा ही नहीं दलाल भी हूँ, कुछ भी करूंगा तुम्हारी भलाई ही होगी। तू वहीं पर रुकना, तुझे देख लेंगे तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। देखो तुम्हारे लिए कितने लोग आए हैं। डरने की जरूरत नहीं है, बैठ जा। चल काट। खा लो, फर्स्ट टाइम यादव भाई केक खिला रहे हैं। खा लो सोना, तुम्हारे लिए यादव भाई कुछ भी कर सकते हैं, है ना भाई? बहुत भारी लगती है भाई, सोना को सोना पहना रहे हो, ये लो। रोती काहे को है? ये खुशी के आंसू है भाई, इमोशनल हो रही है, ज्यादा फिकर करने की बात नहीं है, है ना? तू मेरे को बहुत जमती है समझी, नहीं तो बीच सड़क पे रेप कर डालता, पर तेरे को चैन दिया। आ,
सोना सोना क्यों रे थैंक्स बोले बिना ही चली गई? डरती है भाई, नेक्स्ट टाइम फ्री हो जाएगी। मुझे भी कुछ मिलेगा क्या? क्या लेगा? इन लोगों को छोड़कर मुझे दो चार आदमी और दे दो भाई, मुझे भी किसी को सबक सिखाना है, फिर सब एडजस्ट हो जाएगा। आप अपना हाथ धो लीजिए भाई। बात मत करो मुझसे। अरे लेकिन हुआ क्या? कल रात को 2 घंटे पहले तुम्हें बताया था कि मेरा बर्थडे है, रात भर तुम्हारे फोन का इंतजार किया पर तुमने फोन नहीं किया, एटलीस्ट सुबह तो करते, लेकिन वो भी नहीं। वो बदमाश मेरे लिए केक लेकर आया था, मेरा जीजा मुझे बेच देना चाहता है, और एक तुम हो जिसे मेरी कोई परवाह नहीं है। जाने दो। सॉरी संध्या, रात भर मैं सोया ही नहीं, और सुबह 6 बजे प्रोड्यूसर ने बुलाया। वो देखो सुबह 6 बजे से वो मेरा इंतजार कर रहा है, और हर घंटे उसका फोन आ रहा है, कह रहा है 1 घंटे बाद आओ 1 घंटे बाद आओ, बस यही चल रहा है। इन 5 घंटों में तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया? सॉरी यार, तुम्हारी पर्सनल लाइफ से टाइम निकाल के एक फोन कर सकते थे, बर्थडे विश कर सकते थे। चुप करो। बर्थडे 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 क्या लगा रखा है? तुम कोई ऐश्वर्या राय हो जो सब मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करें? तुम आखिर हो कौन? आई हेट बर्थडे। रवि सॉरी संध्या, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हैप्पी बर्थडे। मैं काम की टेंशन में सब भूल गया। तुम एक बात जानती हो, कल मेरा बर्थडे था। आई एम सॉरी वंस अगेन। अब तो हंस दो, अब तुम घर जाओ, शाम को मिलते हैं, ठीक है? हे ऑटो। सॉरी यार। प्रोड्यूसर से मिलने जा रहे हो ना? ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। तुम इतनी सेंसिटिव बनोगी तो कैसे चलेगा, कैसे जियोगी तुम? मुझे तो टेंशन हो रही है। जाओ भाई ले जाओ इसे। ए रवि, उस लड़की का बैड लक क्या जानता है तू? क्या हुआ? उसे तू जो मिल गया। हा? अभी नौटंकी छोड़ बैठ जा। बड़ा आया रोब दिखाने वाला, जब देखो डांटता है। हाँ बोलो। सीन ओपन होते ही दिखाया जाता है, गांव से दूर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊंचाई पर एक लड़का एक लड़की खड़े हैं, और नीचे बहुत बड़ी खाई है सर, डीप डेप्थ। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। वो लड़की उस लड़के को आई लव यू कहती है। I love you, राज। और वो लड़का अपने दोनों हाथों से उस लड़की के चेहरे को धीरे से चूमता है सर। अच्छा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं सर। वो छटके से उसको नीचे गिरा देता है, कहकर वो लड़की नीचे गिर जाती है। सर वो मरने वाली लड़की हीरोइन है सर, और धक्का देने वाला हीरो है सर। ये तुमने लिखा है सर? वेरी नाइस, आगे बताओ। देखिए आगे क्या होता है कि जो लड़का होता है और वो जो हीरोइन होती है, दोनों पिछले जन्म के प्रेमी होते हैं सर। भगवान की दया से रवि की कहानी ओके हो जाए। क्या ओके करेगा, 4 घंटों से कहानी चल रही है, कुछ भी ओके नहीं हो रहा है। अरे सर आप ये क्या कह रहे हैं? उसे बाहर द्वारे तो सब ओके हो जाएगा। कहानी तो बहुत अच्छी है सर। मेरे ख्याल से कोई एक्सपीरियंस वाला डायरेक्टर होता तो बहुत अच्छा होता। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? सुनो मैं तुम्हें एक अच्छा अमाउंट देता हूं, ये कहानी मुझे दे दो। मेरा भरोसा कीजिए सर, मुझे ही करने दीजिए। पिछली फिल्म में मेरा नुकसान हुआ है, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं, बाकी अब तुम्हारी मर्जी। सॉरी सर, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। बता क्या हुआ यार? कहानी पसंद आई पर डायरेक्शन के लिए मना कर दिया। मगर क्यों? ठीक है बाद में ट्राई करते हैं ना यार। कैसी बात कर रहा है यार, दुख होता है, अभी मुझे डिप्रेशन है, जॉगिंग पर जा रहा हूँ। जॉगिंग क्यों? डिप्रेशन का वक्त ही जॉगिंग करना चाहिए यार, इंस्टेड ऑफ लूजिंग एनर्जी गेन एनर्जी। ओके रन। उसको कुत्ते की तरह इतना पीटो
कि डेढ़ दो महीने तक वो सरकारी हॉस्पिटल में बेड जाता हुआ नजर आए। समझ गए मेरी बात? वो रहा मदर डन, तुम्हारा नाम बताना पड़ेगा क्या? मुझे पब्लिसिटी से क्या लेना देना, काम होना चाहिए। ये तो बच गया। ए, कौन हो तुम लोग? अरे उसे छोड़ना नहीं रे, वरना वो मेरी धुलाई कर देगा। तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो जरा बताओ? मुझे ही मारना चाहते हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो ये तो बताओ। अरे रे 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 रे। अब तुम लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी धुलाई करने का कारण मुझे पता चल गया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मारो मारो मारो। तू मारेगा? हाँ मार। अरे ये बड़ी मेहनत से स्क्रिप्ट लिखी है मैंने, इसलिए मैं पूछ रहा था। अरे किसने भेजा तुम लोगों को? अरे उसका नाम तो बता। अरे ये क्या, बिना बताए चला गया? बहन तुम्हें देखकर घबराहट हो रही है, लगता है तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें अस्पताल। देखो मुझसे कह दिया ठीक है, मगर मेरे बेटे से मत कहना, वो टेंशन ले लेगा। लेकिन फिल्मी पागलपन से क्या मिलेगा, MBA किया है ना, कोई अच्छी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेता? तुम ये बात जानती हो, मेरे पति बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे, फिल्में खरीद खरीद कर सारी संपत्ति खोकर किसी को मुंह दिखाए बिना खुदकुशी कर ली। लेकिन फिर भी हमें फिल्मों से बहुत प्यार है। मेरा बेटा बहुत बड़ा डायरेक्टर बने, अच्छी अच्छी फिल्में बनाए और फिल्में खरीदने वाले फिर कभी खुदकुशी ना करे बस। अरे पाटिल तुम लोग फिर आ गए? हम एक बार बॉस से मिलना चाहते हैं भाई। अरे अभी डबिंग चल रही है और उन्होंने एक ही घंटे का टाइम दिया है और उसमें से तुम लोग। सर सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक बार बॉस से मिल लेते हो ना। प्लीज भाई दो मिनट के लिए। ओके नमस्ते, नमस्ते भाई। नमस्ते सर। क्या बात है सर? हमारे बार बार मना करने पर भी उन्होंने फिर से उसी डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म दे दी। पिछली फिल्म को भी 95 डेज के बाद चारों सेंटर से हटा दिया गया। वो हमारे साथ कॉपरेशन ही नहीं करते सर। हाँ सर, फिल्म देने से पहले एक बात करते हैं, देने के बाद एक बात करते हैं। सर रिलीज का टाइम नजदीक है और सिटी में एक भी पोस्टर नहीं लगा है सर। छोटे छोटे पोस्टर पर पब्लिक की नजर कैसे पड़ेगी सर? उनसे पूछे तो आप उनको कोई जवाब नहीं देते। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सर एक बार आप प्रोड्यूसर साहब से बात कीजिए, हम जाकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में बैठते हैं। ठीक है मैं बात करता हूँ। ठीक है सर। रवि चलो तुम लोग जाओ अभी। ओके भाई। सुनो रवि, प्रोड्यूसर ने फोन किया था, उनको तुमने कोई कहानी सुनाई है? हाँ सर। बहुत तारीफ कर रहे थे, मुझे भी सुनाओगे? हाँ सर, मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ। सिगरेट दो। हीरो का कैरेक्टर क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है सर।
इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा कह रहे थे। पहले क्लाइमैक्स सुन लीजिए सर, पसंद आया तो इंट्रोडक्शन सुन लेना। कॉन्फिडेंट हो या ऐसे ही बोल रहे हो? सारी कहानी सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे सर। अभी सुनाओगे? क्यों नहीं, वहां चेयर लगाओ। बॉस बॉस बैठिए बॉस। सुनो पाटिल, कुछ देर डिस्टर्ब मत करो। ओके बॉस। हे सब खामोश रहो। हे चाकू दे। ए पाटिल क्या कर रहा है तू? सेंटीमेंट है भाई। तुम कहानी बोलेगा, बॉस ओके बोलेगा, फिल्म सिर्फ चुपली होना मांगता, हमको ज्यादा कुछ नहीं मांगता भाई। ए चलो चलो, बॉस को डिस्टर्ब मत करो, चलो चलो। हाँ बोलो रवि। सुनिए सर, गांव में दूर एक पहाड़ी है और सीन के ओपनिंग में उस पहाड़ी के ऊपर एक लड़का और एक लड़की। ए, लगता है कहानी में दम है। बॉस का एक्सप्रेशन देखा क्या? बढ़िया ड्रामा लगता है यार। सच्ची बोला। बहुत अच्छे रवि, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन तुम ही क्यों डायरेक्ट करना चाहते हो? ये मेरा ड्रीम है सर। मैं कैसे मान लूं कि तुम कर सकते हो? ठीक है सर, एक काम करते हैं, मैं एक ट्रायल सीन शूट करके दिखाऊंगा सर। ठीक है करो। दीदी। अरे तू कब आई? अभी। और वो लड़का है ना, यहाँ बार बार क्यों आ रहा है? कौन लड़का? अरे वही रवि, कह रहा था तुझे फोन भी लगाया, कैफे में मिलने को कहा है। ओके। देखो ये ट्रायल शूट है लेकिन मुझे अच्छे से शूट करना रवि, यार। रवि। है। अरे आजा आजा। घर क्यों आए थे बताओ तो? कुछ नहीं रे, एक ट्रायल शूट है, उसमें तुम्हें भी एक्ट करना है। बस यही बात थी। डमी शूट है, तुम डमी हीरोइन हो और ये डमी हीरो। मैं हीरो नहीं बनूंगा, मैं तो विलन बनूंगा। ओवर एक्टिंग मत कर वरना फोड़ डालूंगा। अरे आनंद, कोई वीडियो कैमरा तक भाड़े पे मिलता है क्या? भाड़े पे लाने की क्या जरूरत है, मैं दोस्त से ले आऊं। सुपर, वेरी गुड। कल तुम फ्री हो? फ्री हूं लेकिन ये नहीं करूंगी। नहीं करूंगी? क्यों? मैं नहीं करूंगी बस। पर मैं पूछता हूं क्यों नहीं करोगी? अरे डरा रहे हो क्या? देखो कल सुबह 6 बजे शूटिंग है। मैं नहीं आऊंगी। सुनो तुम कल कैसे नहीं आओगे, मैं देखता हूं। क्या देखोगे? ठीक है कल देखते हैं। कितनी होशियारी मारता है।
खुशबू से तेरी महके सांसे मेरे लब पे है तेरी बातें बात तूने क्या जादू कर दिया लव यू कर दिया तो फिर काम कहां तक पहुंचा सीन डिस्कशन कर लिया है ना नमस्ते सर नमस्ते और रवि कैसे हो ठीक हो सर और क्या चल रहा है मेरे यहाँ कुछ काम चल रहा है सर मेरी अगली फिल्म के लिए एक खूबसूरत सी लड़की चाहिए जिसका फिगर वगैरह अच्छा हो कोई है तुम्हारी नजर में सर मुझे आप 5 मिनट देंगे प्लीज मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ जरूर देखूंगा चलो आइए सर ये देखिए सर लड़की अच्छी लग रही है सर मैं इसे जानता हूँ आपका तो बुला लूँ हाँ जरूर बुलाओ देख ही लेते हैं ठीक है सर आओ सुना कैसा लग रहा है यहाँ ये घर किसका है जीजा जी आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं बताता हूँ वेलकम वेलकम नमस्ते ये मेरी साली है संध्या या आई नो वेरी क्यूट स्वीट स्माइल कुछ नहीं सुना सर को तुम बहुत ही पसंद हो ये कहते हैं कि इतना बड़ा घर छोड़कर तुम लोग उस छोटे से घर में रहते हो इसलिए चाहते हैं कि आज से हम यहीं रहें इसलिए आज से हम यहीं घूमने के लिए कार भी मिलेगी और शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड भी मतलब एक खास बात यह है नीचे एक बेडरूम है जिसमें मैं और तुम्हारी दीदी और ऊपर एक बड़ा बेडरूम है जिसमें सर और तुम रहोगी यस यस जी चाची क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ मैं जानता हूँ सोना लेकिन तुम्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आओ चलो मेरी बात मानो छोड़िए मुझे छोड़िए सुनो चुपचाप बेडरूम में चली जाओ मेरी बात मानो छोड़िए सुनो हट हीरो एंटर होते ही तुम्हें कैसे रिएक्ट करना है तुम्हें पता है और तुम्हारा उसके साथ ये जो सीन है वो रवि तुम्हारे लिए कोई आया है अरे इनको जरा सीन समझाना एक्सक्यूज मी ओके रवि तुम मुझे कहीं ले चलो तुम्हारी मर्जी हम कहीं भाग जाएंगे क्या हुआ वो बुड्ढा वो बेशर्म बुड्ढा मुझे रख लेना चाहता है और मेरा जीजा जबरदस्ती कर रहा है कहीं भाग चलते हैं रवि प्लीज कहाँ जाएंगे तुम जहाँ ले चलो ठीक है तुम मैं और मेरी माँ मिलकर भागेंगे माँ क्यों मेरी माँ है जानती हो ना तुमने कैसे सोच लिया कि बुढ़िया को छोड़कर आ जाऊंगा मैं यही नहीं मेरा एक गोल है करियर है जानते हो इन दिनों भाग जाना एकदम कॉमन बात हो गई है भागने को लोग भाग जाते हैं लेकिन बाद में अकल ठिकाने आ जाती है रवि ये तुम क्या कह रहे हो संध्या असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलने वाली तनख्वाह से हमारा जीना ही मुश्किल है एक बार अपनी माँ का बॉडी स्कैन करवाना चाहता हूं मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूं ये भाग जाना तो छोड़ो तुम्हें अपने घर पे लाकर पालने की शक्ति भी नहीं है मुझमें इतना पैसा नहीं कमाता हूं मैं पर ये तुम क्यों समझोगी तुम प्यार को पैसों से क्यों बांधना चाहते हो पैसे को प्यार की जरूरत नहीं है लेकिन प्यार के लिए पैसा चाहिए पैसे से ही प्यार जिंदा रहता है अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो तुम्हारा चेहरा चाटता हुआ तुम्हारे पीछे पीछे घूमूंगा मुझे देख देख कर तुम्हें भी घिन आने लगेगी तुम शायद ये नहीं जानती तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो पर मैंने कभी तुमसे आई लव यू कहा क्या नहीं कहा सिर्फ मुझे ही नहीं जिस किसी के पास पैसा नहीं है उस नालायक को आई लव यू बोलने का कोई हक नहीं है दुनिया में हर रिलेशन पर 3 चीजें हावी होती हैं लव मनी टाइम इनमें से एक चीज की भी कमी हो तो रिलेशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है फिलहाल मेरी कंडीशन यह है मेरे पास एक प्यार के सिवा मनी टाइम दोनों नहीं है फिर भी तुम मेरे लिए वेट कर सकती हो तो करो तुम्हारे घर की प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो मुझ पर मत थोपो मैंने तुमसे कितना प्यार किया तुम्हारे लिए भाग कर आई हूँ तुम इतने सेल्फिश हो मैं जानती नहीं थी मैं सेल्फिश हूँ ये बात मैंने पहले ही बता दी तुम अगर मुझसे नाराज नहीं होगे तो एक बात पूछो बताओगी आओ यहाँ आकर बैठो बताओ तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो बताओ तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो तुम्हारा बिहेवियर पसंद है तुम्हारी मेंटेलिटी पसंद है तुम खुद भी मुझे बहुत पसंद हो लेकिन तुमने आज तक कभी समझा ही नहीं है ना ये सब तुम्हारी पसंद है तुमने अपने लिए
तुम्हारी पसंद वाले क्वालिटीज का लड़का ढूंढ लिया। इस बात को लेकर कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, उतना प्यार करती हूँ, तुम जता रही हो कि तुमने मुझ पर कोई एहसान कर लिया। इस दुनिया में हर कोई मतलबी होता है। अगर ये किसी से कहोगे तो कोई नहीं मानेगा। तुम्हारी खातिर तुमने मुझसे लव किया, मेरी खातिर मैंने तुमसे लव किया, बस। मुझे अपने आप से घिन होने लगी है। तुमने ऐसी क्या गलती की जो तुम्हें घिन आ रही है? घिन तो मुझ पर आनी चाहिए जो तुम्हें ऐसा नालायक मिला। No, I don't want to blame anyone. घर की प्रॉब्लम की खातिर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हारा अच्छा फ्यूचर है, तुम अपने करियर पर कॉन्सेंट्रेट करो। डायरेक्टर साहब को तुम्हारा ट्रायल शूट पसंद आ गया है, तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट करवाना चाहते हैं। चलो चलते। मैं नहीं आऊंगी। संध्या, संध्या मेरी बात सुनो। मैं नहीं सुनूंगी। संध्या, नहीं आऊंगी। संध्या मेरी बात सुनो। मैं नहीं सुनूंगी। क्यों सुनूं तुम्हारी बात? तुम्हारा मेरा क्या संबंध है? तुम कौन हो मेरी लाइफ में? बोलो, हाँ बोलो, बोलो ना। तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। नहीं है। आ गई अकल ठिकाने। तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब तुम मेरे साथ आओगी, अभी, समझ गई? मैं नहीं आऊंगी। अगर नहीं आएगी तो यहीं गाड़ दूंगा। चल बता दूं। बड़ी आई, भाग जाएगी कहने वाली। चल चलो मुझे। हेलो, अभी हीरोइन का इंट्रोडक्शन हुआ है, इतनी कोई खास नहीं है। मैं बाद में फोन करता हूँ। हेलो, ये फिल्म तो गई, कंफर्म सुपर फ्लॉप है यार। ए, तो ऐसा ही लगता है। तू क्या बोला? हमारी फिल्म फ्लॉप है? फ्लॉप है? पहले पूरी फिल्म तो देख, सेकंड हाफ तो देख। एक किसका आदमी है तू? किसका आदमी है? बहुत मस्त पिक्चर है। चलें सुपर हिट। डायरेक्शन क्या मस्त है, बहुत अच्छा। फिल्म सुपर हिट है सर, 200 डेज। अगर नहीं चलेगा मुझे चप्पल से मारना सर। फिल्म एकदम मस्त है भाई। क्या कहा तूने? 200 डेज चलेगी और नहीं चलेगी तो चप्पल खाएगा तू? ऐसा नहीं बोलेंगे तो हमको ट्रेलर में कहाँ दिखाएंगे सर, इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है। अरे क्या फिल्म है सर? सर दर्दी तू। अरे छे फिल्म की वाट लगा दी। ये क्या भाई, तुम्हारे गुरु ने तो फिल्म की धज्जी उड़ा दी, पूरी की पूरी वाट लगा दी। अरे पब्लिक फिल्म छोड़कर जा रही है। बड़ी डब्बा फिल्म है भाई, विलन क्यों आता है क्यों जाता है किसी को समझ में ही नहीं आता। ए चुप कर, सुपर हिट। रवि कैसी चल रही है अपनी फिल्म? लगता है बड़ी हिट है सर। मैं क्या बताऊँ, बहुत धूम धड़ाका है सर। पब्लिक क्या कहती है? कुछ नहीं सर, 200 डेज, लेकिन आपके सामने नहीं बोलेगी सर। हमारे सामने बोलने का मतलब नहीं चली क्या? नहीं सर, ये बात नहीं है सर, मैटिनी शो देखकर सारी पोजीशन बता दूंगा सर। भाई कौन सा डायरेक्टर है? आपकी धुलाई ना हो जाए सर, मेरी बात मानिए सर, आप घर चले जाइए सीधे। ओके, धुलाई होगी। अरे कार आगे ले चल चल। हम सब लोग तबाह हो गए, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्या करूं? इस पर साइन करना ही पड़ेगा, अपने पापा के लिए कर दो मेरे बच्चे। ये तो हो गया, कैश बैलेंस 1.35 बाकी रह गया है, चलता हूं। नमस्ते। ए भास्कर, अमेरिका में मेरे भांजे को फोन तो लगा, वहां फिल्म की पोजीशन मालूम करनी है। हेलो राज, तुमने मेरी फिल्म देखी? क्या रिपोर्ट है उसकी? नहीं मामा जी, कल देखने जाऊंगा मैं, लेकिन वेबसाइट पर रिव्यू देखा है, अच्छा नहीं लिखा मामा। क्या अच्छी नहीं लगी? इंटरवल में उस लड़की को बहन बताना अच्छा नहीं लगा। और सेकंड हाफ में ऐसा क्यों होता है इसका रीजन नहीं बताया। प्री क्लाइमेक्स में विलेन एंटर होता है और सीधे क्लाइमेक्स में चला जाता है, पब्लिक खुश हो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, जॉनी लीवर की कॉमेडी सोने पे सुहागा है। तुमने तो फिल्म देखी नहीं। हाँ मामा जी। तो फिर कैसे कह सकते हो मामा जी ऐसी बात नहीं। फिल्म नहीं देखी और देखने वालों से ज्यादा बोल रहे हो।
यू गॉट द प्रीव्यू? फिल्म देखने के बाद रिव्यू पढ़ा जाता है, समझ गया ना? रिव्यूज पढ़कर फिल्म नहीं देखी जाती है। सब कुछ जानने के बाद तुम लोग क्या खाक फिल्म एंजॉय करोगे? हाउ कैन टॉक दैट वेबसाइट पर्सन? वो कोई राइटर है, डायरेक्टर है? रिव्यूज लिखने वालों को इतना ही दिमाग है तो लिखने दे, उनके कुछ भी लिखने से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जानता है क्या लिखते हैं रिव्यूज में? फर्स्ट हाफ ये स्टोरी, सेकंड हाफ ये स्टोरी, बेंगल वी, इक्वल वी, हाइलाइट्स, ये होता है रिव्यू में। उन्होंने लिख दिया और तुमने मान लिया। अरे ये सब बकते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ए, अगर तू सिनेमा लवर है तो मेरी फिल्म का पोस्टर देख, गाने सुन, ट्रेलर देख, फिल्म अच्छी लगी तो देखना, नहीं तो मत देखना। तुम लोगों की वजह से बिजनेस में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ये रिव्यूज लिखने वाले ओवरसीज का बिजनेस करते हैं, जानते हो? अगर हम फिल्म उनको दें तो रिव्यू कुछ और लिखते हैं, और अगर ना दें तो कुछ और। हमसे पैसा बटोर कर काम करते, जानता है तू? तुम लोग इन लोगों का लिखा हुआ घटिया रिव्यू पढ़ रहे हो या फिल्म की दिलचस्पी को लेकर तुम लोग ये पढ़ते हो? एक बार फिर बोल रहा हूँ, सुन, हमारे फिल्म का पोस्टर देखो, गाने सुनो, ट्रेलर देखो, अगर ठीक लगे तो देखो, नहीं तो फोन रख, रख फोन। समझा इसे, समझा, अच्छी तरह से समझा। उस बुड्ढे से अपना संबंध जोड़ ले। तुम कुछ भी कहो, मेरी बहन उस बुड्ढे से शादी नहीं करेगी। शादी नहीं, सिर्फ रखेल बनाएगा। तू मेरी बात ठीक से समझ नहीं रही है। संबंध का मतलब शादी नहीं होता, नाजायज संबंध होता है। ये तुम क्या कर रहे हो? ये अब देखती जा, मैं इसे ऐसे जलाऊंगा। आज तक तुम लोगों ने सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा। अब मैं इसे ऐसे जलाऊंगा कि ए, ए, रुको, तुम लोग रुको, कहाँ भागते हो? रुको, 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 तुम लोग भागती कहाँ हो? अब मजा आएगा। खुद को बहुत खूबसूरत समझती है, ये ले, अब तेरी खूबसूरती निकालता हूँ। तेरी दीदी से बहुत खूबसूरत है तू। मेरी जगह कोई और होता तो कुछ भी कर सकता था तेरे साथ। मैं शरीफ आदमी हूँ इसलिए तू बच गई। मेरी बात मान ले, उस बुड्ढे की रखेल बन जा, वो इंतजार कर रहा है तेरा। अरे जल गई क्या? मुझे भी ये सब करना अच्छा नहीं लगता सोना, मुझे भी ये देखकर तकलीफ हो रही है। एक बार मेरी बात मान लेना। कौन हो? छोड़ मुझे। कैसा लगा? तकलीफ हो रही है ना? और तुम लोगों को क्या हो गया है? कैसे बर्दाश्त करो इस नालायक को? किस तरह जी रहे हो इसके साथ? ये तुम्हारा पति ही है दलाल? सुन, लड़की को चलाते हैं? ये कमीना इंसान तुम लोगों के किसी काम का नहीं है, अच्छी तरह से समझ लो तुम। अबे तू क्यों रो रहा है? अरे इसकी पैंट उतारो, सब कुछ चला देंगे इसका। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फिर कभी ऐसी बदतमीजी की ना, तेरी तो पैंट बचा दूंगा। और तो करो लगता। भाई भाई देखो भाई, क्या हुआ तेरे को? आपकी खातिर मेरी साली को मनवाने के लिए मैं कितनी बेशर्मी से काम कर रहा हूँ आप जानते हैं ना भाई, लेकिन वो हरामी सारा काम खराब कर दिया, मुझे मारा भी। भाई कौन है रे वो? मेरा नाम बोला नहीं क्या? आपका नाम बोला, उसने मुझे और मारा भाई। देखो भाई, उसने मुझे कितनी बेदर्दी से जलाया है हरामी कहीं का, मुझसे ज्यादा तो आपकी बेइज्जती हुई भाई। उसको सबक सिखाकर आपको अपनी इज्जत बचानी होगी। सुन, इसने अपना किराया नहीं दिया इसलिए इसका मालिक चिल्ला रहा है, इसे अपने फिल्म में काम दे देना। अरे माँ, इसके ख्याल बहुत ऊंचे हैं। इसका चेहरा देखा, न रफ लगता है न सॉफ्ट लगता है, अजीब है। कैमरा ऑन करके देख, तब पता चलेगा। माँ मैंने इसे समझाया, हीरो के फैन का रोल कर ले, ये मानता ही नहीं। मैं ऐसी फिल्मों में काम नहीं करूंगा। मगर क्यों नहीं? ये लोग पहले अच्छे रोल के लिए बुलाते हैं और बाद में हम लोगों को नाचना चाहते हैं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। सुन, मुझे ऐसे लोगों की चापलूसी करना अच्छा नहीं लगता। तुझे अच्छा लगता है तू कर ले। भाई यही है वो। ए, इधर आ। कौन है ये लोग? एक मिनट भाई। अरे कौन है ये लोग? तुम अंदर चलो। पता था क्यों? क्या हो रहा है ये सब? अंदर तो चलो ना। क्यों आए हैं? अरे क्या हो रहा है? चलो अंदर। अरे चलो अंदर। अरे रवि, रवि बंद क्यों कर रहे हैं? आप शांत रहे, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। बस रवि, हमारे आदमी को तूने मारा है और उसका हाथ भी जलाया। आपके आदमी ने गलती की इसलिए मारा। क्या किया उसने? उसने संध्या का हाथ जलाया। तूने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? ये झूठ बोल रहा है भाई, जलाया नहीं, मैंने तो सिर्फ उसे डराया था।
वो उसे जला दे या मार दे उसकी साली, इसमें तेरा क्या? चलो ठीक है भाई, बात क्या है बोलो, यहाँ क्यों आए हो? तेरी हड्डी पसली एक करने के लिए। उसके लिए इतने आदमियों की क्या जरूरत है भाई, आप अकेले काफी हो। आप अपने आदमी के लिए आए हो ना, मारो। तुम मुझे मार सकते हो, मारो भाई मारो। एक बात गौर से सुन लो, तुम्हारे अलावा और कोई मुझ पर हाथ डाले मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, खास तौर पर तुम। अपने आप को काबू में रख लो वरना कुछ भी हो सकता है। बहुत ज्यादा बड़बड़ कर रहा है। बोला ना हाथ नहीं डालने का, आप मारो भाई मारो ना, आप मार सकते हो, मारो मारो। रवि, दीदी, क्या हुआ? दीदी, रवि मार रहे हैं। क्यों मार रहे हो उसे? सर रुक जाओ। ये कहाँ रही है? रुक जाओ सर, बचा, बचा, इसे लेकर ऊपर जा, ऊपर जा। उसे मार रहे हैं, बचा लो उसे जाके। अरे मेरे बेटे को मार दे। क्या मारो भाई? उसे पता चलना चाहिए कि जलाया कैसे जाता है। तुम क्या? मारो भाई मारो, जितना मार सकते हो मारो, लेकिन इतना जान लो तुम्हारा आदमी बहुत हरामी है। ए, भाई को सब पता है कौन कैसा आदमी है। संध्या रुक जाओ। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करो। कितनी बार कहा तुझसे मुझे हाथ मत लगा। आप मारो भाई, आप मारो मारो। आप मत रुको भाई, आप मारो मारो मुझे, मारो। आप मारो भाई, मारो मारो मुझे, मारो। इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत ही दमदार है यार। तो पीछे से मारता है, पीछे से मारता है। कितनी बार बोला मुझ पर हाथ मत उठा। ये हाथ उठाने से पहले एक बार सोचना भाई। तू सबको मार रहा है लेकिन मुझे क्यों नहीं मारता? हाँ, रेस्पेक्ट करता है। हाँ भाई, ड्रामा ड्रामा करता है, ड्रामा। अरे राजू जा, मेरे बेटे को बचाना। अरे राजू जल्दी कर। फिर कभी मेरे दोस्त को मारने की हिम्मत नहीं करना, जान से मार दूंगा। बाय। अपने दोस्त को समझा दो भाई, फिर संध्या को हाथ लगाए तो जान से मार दूंगा। अबे तेरी तो बहुत चलो। तेरी रिस्पेक्ट मैं करूं तो जैसे रोड छाप टपोरियों को सबक सिखाना मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अरे बाप रे, चलो चलो, सारा सीन उल्टा हो गया। अगर मैं उसके हाथ में आ गया तो मेरी भी धुलाई कर डालेगा। सर। हाँ रवि, बोलिए सर। तुम्हारी कहानी सुनी, तुम्हारा ट्रायल शूट भी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने प्रोड्यूसर से बात की है, ये फिल्म जरूर बनाएंगे। एंड You are my director. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Hey, Ravi, तुम्हारी फिल्म का टाइटल क्या हो सकता है? एक और विनाशक। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? MBA फिल्म डायरेक्टर। फिल्म डायरेक्टर क्यों लिखवाया तुमने माँ? बोलो ना। लोगों को पता होना चाहिए ना कि तू डायरेक्टर है। SB कृष्णा रेडी। MCOM है ना? राघवेंद्र राव BA लिखते है ना? और सुन, लोग सोचते है जाहिल अनपढ़ सारे फिल्म इंडस्ट्री में ही बड़े पड़े है, इसलिए ऐसा लिखना पड़ता है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, सारा झगड़ा मेरी वजह से हुआ। अरे छोड़ो भी, भूल जाओ इसे। ये बात नहीं है डायरेक्टर साहब, हमें कहीं भूल तो नहीं जाएंगे ना आप?
जो कहना है साफ साफ कहो। तुम डायरेक्टर बन जाओगे, बड़े बड़े लोगों से मिलोगे, मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? आगे मुझसे शादी तो करोगे ना? नहीं करूंगा। अभी फिल्म शुरू नहीं हुई है और तुम शादी की बात कर रही हो। शूटिंग होनी है, फिल्म रिलीज होनी है और बहुत कुछ बाकी है। तुम खामखा इस बात को लेकर टेंशन मत लो। शादी करने के लिए अभी बहुत टाइम पड़ा है। तुम्हारी शादी होगी पर मेरी नहीं। काट लेना चाहती हो? मर जाओगी। अगर तुम सुसाइड करके मरना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। दो दिन रहूंगा, उसके बाद कोई और मिल जाएगी। हम तो यहीं रहेंगे, तुम चले जाओगी। एक बात बोलूं, वर्ल्ड की कॉस्टलीस्ट चीज क्या पता है? अपनी बॉडी। गुस्से में आकर अपनी नसें नहीं काटना। सर पर चढ़े शादी के जुनून को भूल जाओ। मेरी हर बात पर नाराज हो जाती हो तुम तो। सर, आपको कुछ फैंस मिलने आए हैं। किस लिए? नवरंग थिएटर को जो 10 लाख रुपए देने हैं उसके बारे में बात करना चाहते हैं। क्यों, उनको प्रेस्टीज की पड़ी है या हमारी फिल्म पिट गई है? उनको अपनी पड़ी है। जाओ प्रोड्यूसर से मिलने के लिए बोलो। सर कहते हैं आप लोग प्रोड्यूसर से जाके मिलिए। 2 मिनट के लिए हमको उनसे मिलना है। वो नहीं मिल सकते, उनकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? जब अपनी बर्थडे की पार्टी मनानी होती है, ऑटोग्राफ के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए और अपनी झूठी मूठी शान के लिए बॉस खुद मिलने आते हैं, तब बीमार नहीं होते। लेकिन थिएटर का पैसा जब देने का वक्त होता है तो तबीयत खराब हो जाती है। ए चलो रे, ये हमारी बेवकूफी है। सर हमने हीरो से बात कर ली है, डेट भी मिल गई है, अब हमको शूटिंग की तैयारी करनी है। सर शूटिंग शुरू होने से पहले अपने स्क्रिप्ट पर ध्यान रखो। जी सर। ये क्या हुआ? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। हाँ, बी केयरफुल। सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ पाटिल? कुछ नहीं सर, हमने जो 10 लाख रुपए थिएटर वालों को देने हैं ना सर, उसके लिए हम बात करने आए हैं। ये पैसा हमको अदा करना है या तुम्हारे हीरो को? हमने हीरो से बात की है सर। पर ये पैसा हम क्यों दें? आप ऐसा मत बोलिए सर, आप ही प्रोड्यूसर है ना। तुम्हारे हीरो की वजह से 4 करोड़ का नुकसान हुआ है मुझे। तुम्हारे हीरो से फिल्म बनाकर तुम लोग टेबल प्रॉफिट बोल रहे थे। अब तो मेरी ऑफिस में टेबल ही बचा है और उसके लिए भी मैं ही 10 लाख रुपए दूं? और मेरा जो नुकसान हुआ उसे किसी को परवाह नहीं? फर्स्ट वीक में मुझे 25 करोड़ का नुकसान हुआ है, तुम लोगों को पता है कि नहीं? दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो हाथ आए बिजनेस को छोड़ सकता है, बताओ तुम लोग? अब कल ही की बात ले लो, इनकम टैक्स वाले आए थे और हमारे बाल नोच डाले। फिल्म के नुकसान को तो रो ही रहा हूँ, फलाने सीन को देख कर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है, ये कहकर पब्लिक हम पर केस कर रही है। इस बात के लिए हीरो को कोई नहीं पूछता, पब्लिक हमको ही बीच रोड पर घसीटती नजर आती है। गलती हमारी है जो हमने ऐसी फिल्म बनाई। इसको लेकर हमारे सर पे जो दुख है वो हम किससे कहे, बताओ? इस फिल्म में आपको नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन इससे पहले तो प्रॉफिट हुआ है सर। फायदा हुआ है ये किसने कह दिया तुम लोगों से? साल में 150 फिल्में बनती हैं, अगर उनमें 3 फिल्में हिट हो जाए तो हंगामा मच जाता है। ओनली 2% सक्सेस रेट है, इसलिए इंडस्ट्री बची है। फिल्म बनाने में हमें इंटरेस्ट है, इसलिए हम फिल्म बनाते हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं। आज 50 साल की उम्र में भी मैं फिल्म जरूर बनाता हूं, लेकिन पैसा कमाने के लिए नहीं, क्योंकि फिल्म बनाना मेरा शौक है, जुनून है, पागलपन। अरे पाटिल, तुम्हें क्या लेना देना इससे? यहाँ पे कोई किसी को नहीं देखता। तुम अपना काम धाम छोड़कर उनके पीछे क्यों पड़े हो, बताओ? मेरी बात मानो, ये सब छोड़ दो। हम कहाँ जाएं भाई, इज्जत का कबाड़ा हुआ है। आज तुम हमारी भी एक बात सुन लो भाई, हम उसी थिएटर के सामने इसी प्रोड्यूसर को बुलाकर फंक्शन करवाएंगे भाई। 10, 20, 30, 40, 50। अरे बेटा, ये पैसा लेकर तू कहाँ जा रहा है? थिएटर वालों को पैसे देने हैं माँ। ऐसा मत कर, इसे तेरी बहन की शादी करनी है, तू जानता है ना? माँ उससे भी जरूरी बात ये है, इसमें हमारे हीरो की इज्जत का सवाल है माँ। हट जाओ माँ। तुम ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। माँ, रवि को ये बुक क्या हुआ? हाँ, ये खून कैसा? अरे कुछ नहीं रे, वो सुन लेगा। क्या हुआ तुझे? माँ कहाँ है? माँ अंदर है, ये उनका बेटा है। उन्होंने तो कहा कि मेरा कोई नहीं है, क्या तुम उनके बेटे हो? हाँ सर। मैंने उनको बहुत समझाया, इट्स टू लेट। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, अब महंगी दवाई भी काम नहीं करेंगी, वो नहीं बच सकती, सब भगवान के हाथ में है। तुमने मुझसे क्यों छुपाया माँ? मैं कुछ नहीं कमाता इसलिए नहीं बताया। अगर मैं भी कुछ कमाता तो तुम मुझसे जरूर बता देना। मुझे क्षमा करो माँ, इस उम्र में भी मैं तुम्हारे लिए कुछ करने के काबिल नहीं, इसलिए ना माँ, डॉक्टर साहब से तुमने झूठ बोला। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है माँ।
ए, अबे रुक। भाई भाई सॉरी भाई सॉरी भाई सॉरी भाई, भाई उस रोज अंजाने में मैंने आप पर हाथ उठाया भाई, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं भाई, सॉरी भाई सॉरी यार, मुझे माफ कर देना भाई, भाई मुझे माफ कर दो। मुझे मारा था ना तू? आपको मारने की मेरी हिम्मत कहाँ है भाई, मुझे डायरेक्शन का चांस मिल रहा है भाई, मुझे छोड़ दो भाई प्लीज भाई, मुझे जाने दो भाई, भाई को मारने की हिम्मत आ गई तो हीरो समझता है? हीरो नहीं हो भाई, इसलिए तो सॉरी बोल रहा हूँ भाई। अबे भाई पे हाथ उठाता है भूखने के, अभी दिखाता हूँ तुझको तेरी तो। भाई भाई माँ की दवाई है भाई, भाई इसे फेंकना नहीं भाई, फिर से कह रहा हूँ भाई तेरी तो फेंकना नहीं भाई। हाथ जोड़कर कहता हूं भाई, मुझे यहां से जाने दो। इस सुअर के बच्चे, ऐसे ही सर झुकाकर चला जा, सर उठाया तो यहीं काट डालूंगा गली के कुत्ते। मेरी माँ, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी बीवी, इनको छोड़कर तुम मुझे गाली दे सकते हो, पर गाली के नाम पर इनको छोड़कर तुम्हारे पास शायद दूसरी कोई गाली नहीं है। तुम्हारी गालियों से मैं गुस्से में आकर ऐसा कुछ नहीं करूंगा। माँ हमारे लिए भगवान समान है, तुम्हारी भी माँ होगी। मैं नहीं जानता, तुझे गुस्सा नहीं आता? नहीं। शर्म भी नहीं आती? नहीं। अरे तू किससे पैदा हुआ है? तू तुम जैसे को तो नहीं भाई, अगर पहुंचने से साफ हो जाता है तो 100 में से 99 बार इसे करने से मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मुझे मारने की कोशिश करोगे तो तुम मरोगे। गुस्सा आया तो मैं खुद को भी काटने से नहीं घबराता, और किसी को भी एक ही पल में टपका सकता हूं। तेरा यही काम है, लेकिन मुझे और भी काम है, तो मुझ पे नजर मत डाल वरना मुझे तुम पर नजर रखनी पड़ेगी। सर आपको नमस्कार। अच्छा आप ही हैं वो? जी हाँ। हाय, प्लीज बैठिए। थैंक यू। बैठिए बैठिए। आपने खाना खाया? हाँ जी। हाँ स्टोरी सुनाइए। ये कौन है? ये अपना ही आदमी है। सर आपके सेल ऑफ है? हाँ मेरा सेल ऑफ ही है जी। आप जानते हैं ना, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान सब मुझसे मिले, लेकिन मैंने मना कर दिया। जानते हैं क्यों? आप ही हैं वो हीरो। आपकी इमेज को ध्यान में रखकर ही कहानी बनाई गई है। थैंक यू। ऐसा है सर, आंखों पर कैमरा जूम होकर शॉट शुरू होता है, पहला हीरो ऊपर से नीचे तक जोर से भरा है, वाओ। उसका इंट्रोडक्शन ऐसा होता है, 25 गाड़ियां हवा में धड़ाम 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 उड़ जाती हैं। ये है हीरो का इंट्रोडक्शन, और वो बच्चों के साइकिल पर हमेशा इमेज ध्यान में है, और वो बेंच कार में हवा की तरह आता है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है, माँ के दिल में उसके लिए बहुत सारा प्यार है, और वो अपनी माँ से मिलके कहता है, माँ तुम इतने दिनों तक कहाँ थी इतने दिन माँ। तभी सीन चेंज होता है, फिर हीरोइन दिखाई जाती है, और हीरोइन है करोड़पति बाप की लड़की, और उसी से मल्लिका चलेगी। मल्लिका उसके साथ कर चुका हूँ। कैटरीना कैटरीना की हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या
वो दीपिका पादुकोण है, क्या सिलेक्शन है सर आपके यहाँ? वो तो गिलता हुआ फूल है, जलता हुआ अंगारा है और बौखला रहा शबाब है। तहलका मच जाएगा सर, उसके आने के बाद कहानी का रुख बदल जाता है। फिर यहाँ से कट करते हैं, ये फिर कटिंग, फिर यहाँ से कट, फिर वहाँ से कट, फिर इधर से कट, फिर उधर से कट, फिर कटी कट, फिर लुक ही लुक होता है सर। सिंगापुर में गाना फिल्माएंगे सर, प्यार में प्यार में प्यार में जी ले रहे, कैसा लगा ये सॉन्ग? अच्छा, बैंकॉक जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे सर? में ऑलरेडी शूट कर चुका हूं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ओल्ड हो चुका है। वेनेजुएला कैसा रहेगा? सुपर आइडिया, वेनेजुएला में एक अंतरा और रामोजी फिल्म सिटी में मुखड़ा करेंगे। फिर यहाँ पर क्यों? ऑस्ट्रेलिया का सेट यहाँ लगा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया का सेट यहाँ लगेगा? वो सेट लगा के हैदराबाद के समुद्र का शॉट लिया जाएगा। दीपिका पादुकोण का हाथ पकड़ कर सुनो, मेरा दिल। तुम कहानी सुना रहे हो? सुभाष गे जी, मेरा लंगोटिया यार है ना। तुम कहानी सुना रहे हो या बैंड बजा रहे हो? बैंड बजा रहे हो दिमाग की, बैंड बजा रहे हो मेरी? वो नालायक, मेरा बेटा ये साहब। मेरी माँ है सर। आपका दीवाना होकर मेरे बेटे की शादी के लिए जो पैसे रखे थे सारे उसने ठेठ पे खर्च कर दिए। नवरंग 35 mm के सारे रिकॉर्ड टूट गए, लेकिन देखो मेरे बेटे का जीवन उजड़ गया। चुप रहो। तू चुप कर नालायक, अब मैं क्या करूँ? इससे कौन शादी करेगा? इसकी शादी मैं कैसे करूँगी? क्या कर रही हो माँ? चुप रहो। मेरे ये तकलीफ कौन समझेगा? माँ, कुछ बोल देगी हूँ नहीं, कुछ तो बोलो, मैं कहाँ जाऊँ? माँ, अब आप ही बताओ सा। माँ, 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 माँ। देखो लड़की, एक बार और सोच लो। आई एम वेरी नाइस मैन, बहुत पैसा है मेरे पास, लेकिन बीबी नहीं, मैं अकेला ही सोता हूँ। इससे पहले मेरे पास एक और लड़की आई थी, मेरा सारा पैसा हड़प कर भाग गई। तुम भी अगर चाहो तो पैसा लेकर भाग सकती हो मेरा। आई डोंट माइंड, जस्ट बी विथ मी, आई विल गिव यू ए बिग हाउस। इसी को इंग्लिश में बम्पर ऑफर कहते हैं और हिंदी में जबरदस्त धमाका। तुम क्या कहती हो सोना? लोग इन दोनों का तमाशा देख रही हो, चप्पल से मारो इनको। क्यों बे? तेरे घर के सामने घर लेकर हमने गलती की है, तू हमारे घर के मामले में टांग मत अड़ा। आप चुप रहिए, मैं इससे बात करती हूँ। क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम? हाँ, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम तो शादी करोगे नहीं, वो रखेल बनाई या रानी? हाँ। मेरी जो मर्जी मैं करूंगी, तुम्हें क्या? तुमने बिल्कुल सही कहा सोना। इमोशनल होके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, तुम्हें हीरोइन का चांस मिल रहा है, यही बताने आया था। हीरोइन का चांस मिला है, मगर कैसे? 4 सीजन के अगले फिल्म में यही हीरोइन है, ऑलरेडी स्क्रीन टेस्ट हो चुका है, ओके भी हो गया है, आज एडवांस देने वाले हैं लोग। स्क्रीन टेस्ट कब हुआ इसका? सब कुछ हो चुका है, मैंने खुद करवाया है। दोस्त, तुम्हारा थैंक्स दोस्त, तुम तो हम लोगों के लिए साक्षात भगवान जैसे लगते हो। तुमने जो कहा वो सच है ना? हाँ सच है। कंफर्म है ना? कंफर्म है। तुम ओके कहते हो तो मैं इस बुड्ढे को चलता करता हूँ। जल्दी करो। क्यों भाई, सीन समझ में आया ना? बैठे क्यों, उठो यहाँ से। राम बाबू, दिस इज टू मच। हाँ, मुझे भी यही लगता है, इस उम्र में ये आदत ठीक नहीं है, अकेले नहीं सो सकते क्या? चलो मेरा एडवांस लौटा दो। हाँ, दे दूंगा। तुम हीरोइन बनना नहीं चाहती? नहीं। हीरोइन बनने के लिए हजारों लड़कियां धक्के खा रही हैं, लेकिन तुम्हें ये मौका मिला है, तुम ऐसा डिसीजन मत लो, तुम करोगी, बस। करूंगी, तुम्हारे लिए करूंगी। मेरे लिए मत करो, अपने लिए करो, ताकि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सको, सपनों को पूरा कर सको, यही जिंदगी है। कैश मैं हैंडल करूंगा। में तो आए ना, ओ नो 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 नो, बेचैन है ये मन एक पल कहीं ना सुकून। आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस
झिलमिल झिलमिल तारा, आंख मेरी तुझको ही ढूंढे यारा, तेरे लिए बन गया मैं आवारा, फिरू यहां से बहमारा मारा, तू दर्द है फिर भी है तू ही दिल को प्यारी, मुझको ना बिन तेरे कुछ भाए दे, है ये मन कैसा है छाया जुनून, I miss you, I miss you, I miss you deep down, oh dear, I miss you, I miss you, I miss you deep down, oh dear, तेरे बिना ये दिल माने वो देख संध्या। अरे राम बाबू, राम बाबू, राम बाबू, ये गधा कहाँ से? राम बाबू, राम बाबू, मैं उसी दिन रेप कर डालता मगर तूने मुझे रोका, देख कितनी बड़ी हीरोइन हो गई है। राम बाबू, राम बाबू, फोन लगा, फोन लगा, फोन लगा उसे। हेलो, मैं हूँ बे। मैं मतलब कौन? यादव रे। यादव वो कौन है? कमीने, मुझे नहीं जानता बे। कौन है बे तू? तू यादव है तो मैं जादू हूँ। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बेकार में फोन करके मुझे परेशान मत कर, समझा क्या? फोन रख। दोगला। ए, 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 सुनो सुनो सुनो, अपने रवि की फिल्म बनने जा रही है, अब मजे करेंगे। उसकी कहानी कैसे ओके हो गई? मेरी कहानी तो उससे भी अच्छी थी। तेरी तो भाई, भाई मुझे डायरेक्टर का असिस्टेंट बना दो ना भाई, प्लीज प्लीज भाई। ना ना, तू डायरेक्टर ही डायरेक्टर बनेगा। मैं यहाँ से डायरेक्टर नहीं हूँ भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज कुछ करो ना भाई। माँ नारियल फोड़ो। फोकस ओके है ना? यहाँ पे एक्सप्रेशन ब्राइट होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, सीन नंबर 31 है ना? ए, तू यहाँ क्या कर रहा? मैं इस फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ सर। तू यहाँ पर कैसे आ गया? ए, सर, सर, मैं किसने बुलाया? सर, 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 ऐसा मत कीजिए सर, सर, सर। रवि, जी सर, इससे जरा केयरफुल रहना। ओके सर, जा। रवि, वो फटेक। रेडी सर? रेडी रवि, सब तैयार है? रेडी क्लैपिंग। रवि तेरा फोन है। कौन है? तुझसे पाटिल बात करना चाहता है। बाद में बात कर, कोई जरूरी बात है, अभी करना चाहता है। हेलो पाटिल, फिल्म के मुहूर्त में तू क्यों नहीं आया? मैं आना चाहता था भाई, लेकिन नहीं आ सका। क्यों, क्या हुआ? मेरे से गलती हो गई भाई। मेरे बाप ने मेरी बहन की शादी के लिए जो पैसे रखे थे वो मैंने खर्च कर दिए भाई। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई भाई। 6 महीने से इस सदमे को सहते सहते अब अस्पताल में मेरी माँ मर गई भाई। पाटिल, सच कह रहा हूँ भाई, मेरी माँ को नहीं मरना था, मुझे मरना था, इसलिए मैं भी मेरी माँ के पास चला जाऊंगा भाई। पागल मत हो तो पाटिल, कहाँ हो तुम? रेलवे ट्रैक पर हूँ भाई। पाटिल, नहीं पाटिल, मेरी बात मानो। तुमको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ भाई। पाटिल, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हारी फिल्म एक बहुत बड़ी हिट हो भाई, मेरी यही दुआ है भाई, मेरे जैसा कोई बर्बाद ना हो भाई। ये हीरो हमारी जान है भाई, इसके लिए हम जान दे सकते हैं भाई, हम जान दे सकते हैं। पाटिल, नहीं पाटिल। भाई, तुम मेरे हीरो को लेके हिट फिल्म बनाओ भाई। पाटिल, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। पाटिल, पाटिल, क्या हुआ रवि? रवि, रवि क्या हो गया? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। टेक करते, टेक करते, चलो टेक करते।
रेडी सर, रेडी, साउंड, एक्शन। मैं तुम्हारे लिए ना कभी आया और ना कभी आऊंगा। कट। ओके। सर पाटिल ने रेलवे ट्रैक पर अपनी जान दे दी। शिट। मैं तुम्हारी मां और भाई को तो वापस नहीं ला सकता, पर तुम्हारी शादी करवाऊंगा। ये 10 लाख रुपए का चेक। पाटिल मुझे कितना चाहता था मैं जानता हूं। इस चाहत की वजह से इतनी जिंदगी तबाह हो सकती है ये नहीं जानता था। आई एम सॉरी। हमारे बीच में कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी आप लोग हमें चाहते हो, इसकी मुझे खुशी है। आप लोगों से ही हमें ही हम समझते हैं। जाने अनजाने हम सब एक फॉल्स प्रेस्टीज में जिंदगी जी रहे हैं। आप लोगों के प्यार की वजह से ही हम लोग डायरेक्टर की बातों को भी नकार देते हैं कि ऐसा हमारे फैन नहीं मानेंगे सर, उनको ये हम आपके लिए कहते हैं। हमारे स्टार्टअप और हमारी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टर फिल्म बनाता है और वो फ्लॉप हो जाती है, और ऐसी ही फिल्मों को हिट करने के लिए आप लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। फिल्म बनाने वाले अच्छे हैं और देखने वाले भी अच्छे हैं, बीच में आप लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। आपको फिल्मों से इतना लगाव है तो फिल्म इंडस्ट्री में आ जाओ, हम सब मिलकर काम करेंगे, पर इसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाओ प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूं, आज के माहौल में बनने वाली फिल्में 100 दिन तक नहीं चल सकती हैं। किसी भी जगह ये संभव नहीं हो सकता। आओ सब मिलकर आओ, अगर हमसे कहीं मिलो तो हाथ मिलाओ, ऑटोग्राफ लो, हमें खुशी होगी, लेकिन अपनी जिंदगी को तबाह मत करो प्लीज। फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो रही है, कोई हिंदी हीरो जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है, शायद इसलिए। बड़े हीरो यहां सिर्फ 10 हैं, यहां हर साल 10 रिलीज होनी चाहिए लेकिन नहीं होती हैं, सिर्फ 5 होती हैं। एक हीरो अगर 3 फिल्में करता है तो कई करोड़ों का टर्नओवर हो सकता है, लेकिन नहीं करता। राजेश खन्ना जी, अमिताभ जी, दिलीप कुमार साहब, धर्म जी ने, सबने किया ना, पर अब नहीं करते। ऐसी बात नहीं है सर, ये सब कहने वाली बात है, कहानियों में दम नहीं है। अगर कहानियों में दम है तो साल में 3 नहीं, हम 4 फिल्में बना सकते हैं। कौन लाएगा कहानी ऐसे? हीरो के इंट्रोडक्शन में 25 आदमी मरते हैं, इंटरवल तक 50 मरते हैं और क्लाइमैक्स तक 100 मर जाते हैं। ऐसी मारपीट को ध्यान में रख के कहानी लिखनी पड़ेगी। ये हम सब लोअर क्लास के लिए बनाते हैं, बी क्लास सी क्लास ऑडियंस है उनके लिए। फाइट चाहिए उन्हें, आइटम सॉन्ग चाहिए, साफ सुथरी फिल्म बनती है तो उन्हें हजम ही नहीं होती, उनको फिल्म देखने आती ही नहीं। सर क्या कहा, हमको फिल्म देखना नहीं आता? तुम लोग जो फिल्म बनाते हो हम वही फिल्म देखते हैं। हमारे देखने में ही शोले पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई ना, हमको सी क्लास टेस्ट करावे ये सब नहीं बोलना। अगर तुम में दम हो तो अच्छी फिल्म बनाओ, जाओ जाओ। आपको डायरेक्टर बनकर कैसा लग रहा है? मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, एज अ सीनियर जर्नलिस्ट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपकी क्या राय है? आजकल की फिल्में कुछ ठीक नहीं बन रही है। या तो हीरो के हाथ में होता है या तो डायरेक्टर के हाथ में होता है। यहाँ भी हॉलीवुड की तरह फिल्में बननी चाहिए, सारी चीजें कंपनी के कंट्रोल में रहे, कॉर्पोरेट स्टाइल में होना चाहिए, पैसे का लेन देन भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसी से फिल्म इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। ठीक है, आपकी फिल्म की हीरोइन कौन है? संध्या जी हैं क्या? आप कौन? मेरा नाम रवि है। ओह, नई फिल्म की डायरेक्टर। मैडम मीटिंग में है, आधे घंटे में फ्री हो जाएगी, आप यही रुकिए, मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ। हाय रवि। रवि बाबू कैसे हो तुम? ठीक। तुम्हारी मदद से ही संध्या इतनी बड़ी हीरोइन बन गई और हमारी जिंदगी बन गई। उस दिन तुम्हारे फोर्स की वजह से ही हमारी किस्मत बदल गई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ऐसा सोचकर उसका फायदा मत उठाना, संध्या को अपने पुराने प्यार की याद दिलाकर उसे मत पटाना। चुपचाप जाओ और कहानी सुनाओ। तुझे घर पे मारता तो शायद कुछ लोग बचा लेते, लेकिन यहाँ तो खोखला है, काट दूंगा। अभी कहाँ जा रहा है? चलावा आने दे। अरे अरे मैडम, आप इस तरह से किसी से नहीं मिल सकती हैं। तुम नहीं जाती वो मेरे काम हो जाएगी। मैडम मेरी बात सुनिए ना। मैडम शट अप, जस्ट शट अप। अरे इतनी जल्दी किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं मैडम। अब रवि, आपकी वजह से मैडम ने मीटिंग रोक दी है। तुम जाओगी यहाँ से? मैं जा रही हूँ मैडम, आप लोग बात कीजिए। कैसी हो? ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए, तुम कैसे हो? सुपर। आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू। मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने आया हूँ, डिटेल में सुनना चाहोगी या वन लाइन सुना दूँ? ये लो,
सब इसमें है। यही कहानी सुनाने आए थे? हाँ। ये तुम मुझे हजार बार सुना चुके हो, यही सुनाना बाकी था? हाँ? कम से कम तुम मुझे एक बार फोन तो कर सकते थे। मैं हजार बार कह चुकी हूँ तुमसे, और अब यहाँ तुम प्रोफेशनल बनकर आए हो, मुझसे मिलने नहीं आए हो। ऐसी बात नहीं है संध्या, तुम अब बिजी रहती हो। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, यही बात है और कुछ नहीं। ओके, लीव इट। बताओ क्या बात है? आप स्टोरी सुनने के मूड में हो? हाँ, मैं जानती हूँ। आई विल कम टू द शूट। सॉरी संध्या, तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। थैंक्स, लेकिन अब मैं चलता हूँ। हे सुनो, ये तुम्हारा पागलपन है, मेरा पागलपन तुम हो, पागल कहीं के। हाय मिस। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग अपनी मनमानी करते हो और बाद में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तुम्हारी तरह मेरे भी कुछ गोल्स हैं, एम्स हैं। ओके सर, आप जा सकते हैं। गो 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 गो। नमस्ते सर। नमस्ते सर। इंद्रजीत सर आए सर। आने दे उसको, तू अपना काम कर। इस शॉट को ऊपर से शूट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हारा क्या ख्याल? कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? शूट कर ले। चलो बाहर, बाहर चलो, पहले बाहर चलो। ए वेणु, किससे बात कर रहे हो? जानते नहीं हमारे गुरु है? ये हमारा डायरेक्टर है। कूल डाउन, कूल डाउन। लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा। यहाँ पर सारे नए लड़के आ गए हैं। हाँ सर, नया है ये, अभी अभी आया है। आप फील मत कीजिए सर, आप कॉफी लेंगे सर? नो 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 नो, रवि सेट इज वेरी नाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं यहाँ नहीं हूँ ये समझ कर डायरेक्शन करना, कोई टेंशन नहीं, मैं इधर ही बैठा हूँ ना। मैंने जानबूझकर ऐसी बात की है भाई। अरे मैं सबको जानता हूँ रे। सर को कॉफी देना। नमस्ते सर। ये संध्या मैडम है सर, ये आपका आशीर्वाद लेना चाहती है सर। नो नो नो, टाइम मत छूना। सीट हियर मैडम, बैठिए। बोलिए सर। ये आपकी बहुत तारीफ करती है सर, आपको रोज याद करती है सर, हमेशा यही कहती रहती है सर, लेकिन नसीब से आप यहाँ मिल गए हो। देखिए शी इज वेरी हैप्पी, जब से आई है आपको देख देख कर मन ही मन मुस्कुरा रही है। रुकिए ना मैडम, असल बात तो बोलने दीजिए। आप और सौर मिले बिना रह सकते हैं क्या? आप दोनों मिलकर फिल्म बनाए, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। ओके, मैं फिल्म की प्लानिंग कर रहा हूँ संध्या। व्हाट्स योर नंबर? हाँ सर, 9964 5350 4। सर आप जब कभी चाहे आप मैडम को फोन कर सकते हैं सर। ओके मैं कर सर, शॉर्ट रेडी हम चलते हैं सर। तुमने हमारा नंबर क्यों दिया? क्या आपका नंबर देती? उसके पास अभी कोई फिल्म नहीं है, प्रोड्यूसर लोग उसके नाम से भाग रहे हैं, इससे तो अब मैं ही निपटूंगी ना। सर मुमित मैडम मेकअप वैन में आपका वेट कर रही है। तुम जब से अमेरिका गई हो रोज हर मैगजीन में तुम्हारे ही चर्चे हैं। तुम किस किस के साथ गुलचर्रे उड़ा रही थी ये सब जानते हैं। ये सब कुछ गलत है। अगर ये गलत है उन्होंने क्यों लिखा? तुमने ऐसा कुछ किया होगा ना? यू डोंट लव मी, यू डोंट ट्रस्ट मी। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सुनकर मेरे दोस्त हंस रहे हैं। छी, मुझे खुद से ही नफरत हो रही है। मैं अब तुमसे नहीं मिल सकता। नो, गेट लॉस्ट, लीव मी अलोन। सूर्य सब रेडी है? हीरो पैकअप करने के लिए बोल रहे हैं। मगर क्यों? मुमित खान से मेकअप रूम में कुछ टेंशन हो गई है। पैकअप। गाड़ी रोकिए भाई साहब, भाई साहब एक मिनट गाड़ी रोकिए भाई साहब, प्लीज गाड़ी रोकिए भाई साहब, भाई साहब गाड़ी रोकिए भाई। सर हमारी मैडम ने बेहोशी के टेबलेट खा लिए सर, अब उनकी हालत बहुत खराब है सर। सर आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे उनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना है सर। प्लीज प्लीज सर मेरी हेल्प कीजिए सर, प्लीज। मैडम मतलब मुमित खान सर? अरे ये तो फिल्म हीरोइन मुमित खान। हाँ सर हमारी मैडम मर जाएगी सर, प्लीज जल्दी से कुछ कीजिए। अब तो इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। आराम से आराम से। थैंक यू सर, थैंक यू। चल उठा उठा, इसको आस्ते से उठा के रख भाई, आस्ते से। हाँ चल दरवाजा बंद कर ले। ए चलना निकलना यहाँ से। सर 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 प्लीज सर मुझे मत मारो सर, मुझे मत मारो सर, प्लीज सर गाड़ी रोको सर, और मैडम भी कहले गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको सर, अरे गाड़ी रोको। चल यार जल्दी कर, चल चल चल।
बड़ी खूबसूरत है यार। चल मिलकर खाते हैं इस लड्डू को। ए चल उठ रे, तू इस तरफ करना उसको। अरे उठ 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 उठना ए उठ रे उठ। हाँ सर पहचान सकता हूँ, मगर पहले कभी नहीं देखा। मशहूर फिल्मी अदाकारा मुमैथ खान का कल रात बीच सड़क पर रेप कर दिया गया। दो अज्ञात आदमियों ने अगवा किया, ये ड्राइवर का कहना है। लेकिन रेप करने वाले दो थे, चार थे या इससे ज्यादा थे, इसका अभी तक पता नहीं चला। क्या कहा? मगर कब? फिल्मों में ऐसी वारदातें होती है जिसमें हीरो हीरोइन को बचाता है, लेकिन निजी जिंदगी में ऐसा कोई हीरो नहीं होता। इसीलिए घटना घटी है। इस घटना की वजह से मुमैथ खान की जिंदगी की नाव डोलने लगी है। इस घटना की वजह से मुमैथ खान की फिल्में रुक जाने का डर पैदा हो गया है। कैमरामैन श्रीवास्तव के साथ अपना एमटीवी। मुमैथ तुम इस तरह से तुम प्रेस वालों के सामने नहीं जा सकते। सीरियसली नीड टू टॉक टू देम। मेरी बात सुनो मुमैथ। आई सेड आई नीड टू टॉक टू देम। They raped me. See this. See this. They even slapped me. There are other parts of body मैं तुम लोगों को दिखा भी नहीं सकती। It's so horrible. मेरा रेप किया गया। आप लोग जानना चाहेंगे ये किसकी वजह से हुआ? Just because of the print media and the websites. मैं चैनल्स की बात नहीं कर रही हूँ। मेरा किसी के साथ अफेयर है। इस अफवाह की वजह से मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा झगड़ा हो गया है। मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। बेहोशी की हालत में उन दरिंदों ने मेरा रेप किया। तुम्हारी पेपर्स और वेबसाइट की अफवाह की वजह से हमें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं तुम नहीं जानते। हमारे घरों में कितने झगड़े होते हैं ये तुम क्या जानो। तुम लोग कुछ नहीं जानते। बेहोशी की हालत में मुझे रेप किया गया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने किया उनकी दरिंदगी की वजह से। और सेम दरिंदगी आप सभी प्रेस वालों में नजर आ रही है। हमारे चेहरों को किसी न्यूड बॉडी से जोड़कर तुम लोग अपनी वेबसाइट को सजाते हो। बिना कपड़ों के हर हीरोइन की फोटो आपकी वेबसाइट पर होती है। ऐसी गंदी फोटोग्राफ्स को आप लोग हर फैमिली मैगजीन में छापते हो और आपकी हर मैगजीन में आप लोग फिल्मी दुनिया से जुड़ी सारी अफवाहें छापते रहते हो। उसमें एक हीरोइन की फोटो डालेंगे और लिखेंगे ये लड़की कल शाहरुख खान के साथ घूम रही थी, आज आमिर खान के साथ घूम रही है और कल किसी और के साथ। बस यही बात है। जैसे इस घर की औरत अपने सामने वाली से बात करती है। किसी लड़की का गिरा हुआ आंचल देखकर कितनी उल्टी सीधी बातें लिखते हो ये बात मुझे अच्छी तरह पता है। ओके आप लोग अपने पेपर की पब्लिसिटी के लिए एक मॉडल अपॉइंट करते हैं, बिग ब्रेस्ट वाली लड़की को ढूंढते हो। वी कवर बोथ द साइड्स ऑफ द स्टोरी ये लिखते हो। मेरा इन बातों को बताने का मतलब आपको ब्लेम करना नहीं है, बट यू ऑल आर डूइंग द सेम मिस्टेक। फिल्मी हीरोइंस पब्लिक प्रॉपर्टी बनकर रह गई हैं, उन्हें वेश्याओं की तरह प्रोजेक्ट मत कीजिए। आप लोग लिख लो जो कुछ भी आप मेरे बारे में लिखना चाहते हैं, लिख लो नो प्रॉब्लम। मेरे अफेयर के बारे में नो प्रॉब्लम लिखिए, पर ऐसी गलत बातें मत लिखो। फाइनली मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगी, प्लीज कीप इन योर माइंड हमारे बारे में गॉसिप लिखने से पहले एक बात जरूर याद रखना, हम फिल्म वालों की खबरों की वजह से ही आप सब लोगों के बीवी बच्चे पल रहे हैं। अब जाओ। मैं जानता हूं मुमाइद खान के ठीक होने में अभी टाइम है और हम अभी उससे डेट भी नहीं ले सकते, पर यह कॉम्बिनेशन कब बनेगी पता नहीं। धीरे धीरे फाइनेंसर अपना हाथ खींच रहे हैं। फिल्मों में नुकसान पे नुकसान, मुमाइद खान का एक्सीडेंट और सारे डिस्टरबेंस की वजह से मैं बहुत परेशान हूं। मार्केट में बैड रिकॉर्ड की वजह से कोई छोटा फाइनेंसर भी नहीं मिल रहा है। रवि हमको ये फिल्म रोकनी पड़ रही है। सर और दूसरा कोई ऑल्टरनेट नहीं है? ओनली वन ऑल्टरनेट वी यूज मनी, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। फिल्म रुक गई क्या बेटा? हाँ माँ। फिर शुरू होगी ना? पता नहीं माँ, ये बात मैं भी नहीं जानता। नहीं माँ आप रो मत प्लीज। नहीं बेटा मैं नहीं रो रही हूँ, तुझे कितना दुख हो रहा है मैं समझ सकती हूँ, तेरे दफ़ल क्या है मैं जानती हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है, तुम रो मत बस। बेटा तू प्लीज माँ तुम रोना बंद करो, मैं सब देखूंगा, मैं संभालूंगा, मैं हूं ना।
நகரியே ரமா மும்பை நகரியே ரமா சினிமா லைஃப் ரமா லைஃப் இஸ் சினிமா ரமா कहीं पे है फैमिली ड्रामा कहीं पे एक्शन हंगामा काम है तो माल है रामा नहीं तो पाका है रामा है फिल्म ही दुनिया अपनी ये दुनिया जट्टा सियारा ये फिल्मी कीड़ा जिसको भी काटा वो घर ना लौटा करेंगे हम भी कोई हंगामा हम तो है एक दिन छा जाना गाएगी दुनिया अपना तराना हरे कृष्णा हरे रामा मुंबई नगरी है रामा मुंबई नगरी है रामा सिनेमा लाइफ है रामा लाइफ ही सिनेमा रामा सपनों की लड़ी खुद पे है हमको तो यकीन हारेंगे हम तो ना कभी छोड़ आए हम गांव की गली फिल्मी पेड़ का बनने हिस्सा समझो नीचे ना दम है हम भी कर सकते हैं हम तो कुछ भी कम ना समझियो हमको परखियो झूठे दिलासो ना पेट भरियो है अपना जो सपना उसको ना जिंदगी तो है सिनेमा जिसके लिए हम मरते हर दम चाहे आंधिया आए या तूफान फिल्म के लिए कुछ भी करे हम एक्टिंग के दम पर छा जाएंगे हम जादू सब पे हम कर जाएंगे हम अपने टैलेंट को यूज आया ना जाने देंगे जलवा अपना हम एक दिन तो दिखा देंगे ऑस्कर की गलियों में जब अपने चर्चे गूंजेंगे सबकी जुबा पे ही हम रहेंगे मुंबई नगरी है रामा मुंबई नगरी है रामा सिनेमा लाइफ है रामा लाइफ ही सिनेमा रामा रवि बहन जी क्या हो गया बहन जी उठिए ना बहन जी माँ 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 बहन जी माँ क्या हुआ माँ माँ आगे खोलो माँ 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 चली गई फिल्म रुक गई I can understand your pain. तुम अकेले हो इसीलिए मैं आई हूँ. Thank you. रो नहीं पा रहे हो ना? चाहो तो रो सकते हो.
मेरे कंधे पर सर रख के। रोना होगा तो मैं अकेले ही रो लूंगा, पर वो रोना भी नहीं आता मुझे। शायद जिंदगी में रोना कभी सीखा ही नहीं मैंने। जिंदगी के हर मोड पर दर्द का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। तुम मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे रोना आ रहा है। अगर कोई दर्द है तो प्लीज बता दो। हेलो मिस संध्या, हू इज दिस? मैं बोल रहा हूँ सर, डायरेक्टर सर। थैंक यू सो मच सर। मैं सोच नहीं सकती थी कि आपने मुझे फोन किया। मैं कितनी खुश नसीब हूँ। संध्या, मेरे लिए तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आता है? मैं कैसे कहूँ, मुझे बड़ी शर्म आती है जानू। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मिलकर संध्या, I want to go out with you. एक मिनट सर, कोई इनकमिंग कॉल आ रही है। ओके ओके, कोई बात नहीं है। ऋतिक रोशन की कॉल थी, अब उससे क्या बात करना। ओह ऋतिक है, ओके ओके बात कर लो। छोड़िए ना सर, बोर है। आपसे ज्यादा थोड़ी ना हॉट है। बहुत एटीट्यूड दिखाता है, बहुत इगोइस्टिक है और इसके बड़े सख्त है। आई हेट दैट। और आप देखो ना, काले काले से, प्यारे प्यारे से, नटे नटे से, बोले बोले से, हिलते डुलते से हैं। यू आर माय सॉफ्ट डायरेक्टर। मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। कहाँ मिलोगे? आप मेरे लिए कहानी बनाइए, फिर आप जहाँ चाहोगे वहाँ मिलूंगे सर। अरे प्रोड्यूसर आ गए। रवि जी है क्या? नमस्ते सर। नमस्ते। रवि जी ऊपर हैं, मैं उनको बुलाकर लेके आता हूँ। तुम सब लोग यहीं रहते हो? नमस्ते सर। शूटिंग करनी है सर। फाइनेंसर मिल गया है, शूटिंग स्टार्ट करनी है। जरूर सर। कब शुरू करेंगे शूटिंग बताओ मुझे, कल या परसों? आप कहेंगे तो अभी यहीं शुरू करते हैं सर। मैनेजर साहब, मैडम जी के लिए लंच में बावर्ची से दो प्लेट बिरयानी मंगाइए। बाद में 4 बजे मैकडोनल्ड से 4 प्लेट नॉनवेज सैंडविच मंगाइए। 2 रेड चिकन टिक्का भी, इसके साथ 2-3 लीटर फ्रेश जूस मंगाकर फ्रिज में रख दीजिए। मैडम जी पता नहीं क्या मांग ले। सुन लिया तुमने मैडम का ऑर्डर? हाँ सर। एक फिल्म की शूटिंग में ये लोग प्रोड्यूसर को पूरा नोट लेते हैं। इसके नॉनवेज के ऑर्डर में 2-3 जुलाब की गोलियां भी डाल दो, इधर उधर घूमेगी तब पता चलेगा। इस डायलॉग के बाद ये शॉट शुरू होता है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो शिंदे सर, आपने शूटिंग शुरू करके बहुत अच्छा। अब हमारी फिल्म नहीं रुक सकती, फाइनेंस प्रॉब्लम खत्म। बहुत अच्छा फाइनेंसर मिला है, मैं आप लोगों का उनसे परिचय कराना चाहता हूँ। वो आ रहे हैं, देखो। आइए आइए, कम कम, वेलकम वेलकम सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते यादव साहब, वेलकम वेलकम। He's our financial Mr. यादव। यादव साहब आपके बहुत बड़े फैन है। नमस्ते भाई। हेलो। तुम्हारी एक्टिंग सुपर, जबरदस्त है। तुम्हारी हर फिल्म 4-4 बार देखता हूँ भाई। थैंक यू। सुपर है भाई। यादव साहब ये हमारे डायरेक्टर हैं, रवि साहब। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? अच्छे से डायरेक्शन करो, सिनेमा सुपर डुपर हिट होना मांगते हैं क्या सर? अब उनके फिल्म में हीरोइन नहीं है सर, बस आती ही होगी। राम बाबू जी नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ हाँ ठीक हूँ सर। अब उनको अच्छी तरह जानता है सर, से थोड़ा काम है। इधर आइए। कोमिनो क्या बोला है फोन पर तूने? आपने फोन कब किया भाई? कोई रॉन्ग नंबर लग गया होगा। नाटक मत कर, पहले बता संध्या कहाँ है? वैन में बैठी है सर। ये हमारा फाइनेंसर है? ये गुंडा है सर, मैं जानता हूँ इसे। मैं जानता हूँ, उसके पास कब्जे की बहुत सारी जमीन है जिसका भाव बढ़ गया है, और उसने अभी अभी 100 करोड़ की जमीन बेची है। ये बात है, वो खुद ही फाइनेंस करने को तैयार है। मैंने कहा ठीक है। रवि वो कौन है, इससे हमें क्या मतलब? हमें तो फिल्म पूरी करनी है। संध्या टॉप की हीरोइन, मैंने बड़े सपने देखे हैं तेरे लिए। तू मुझे अकेला छोड़कर आ गई, इसलिए मैं तेरे को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। तू हाँ कहे तो
तेरी हर फिल्म को फाइनेंस करूंगा मैं। तुम फाइनेंस क्यों करोगे भाई, तुम डायरेक्ट पिक्चर ही बनाओ ना। तुम संध्या, संध्या तुम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच जाएगा भाई। यादव प्रोडक्शन की हमारी संध्या हीरोइन रहेगी, क्यों सोना सही कहना। ये कहानी बाजियां छोड़, अगर अब की बार उसको नहीं लाया तो तेरी गर्दन काट दूंगा। कल से मैं इधर ही रहूंगा। हाँ मैडम, डायरेक्टर आ रहा है हंसते हुए, थोड़ा प्यार से हाल लो। गुड मॉर्निंग सर। सब हाथ बन के खड़े रहो। कौन हो तुम? तुम अंदर कैसे आए? अरे बाप रे तेरी तो। नमस्ते सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। तुम्हारी बात अच्छी लगी। यस सर। तुम्हारे लिए मेरे पास एक सब्जेक्ट है, जस्ट वेटिंग फॉर द डे। सर आपको प्रोड्यूसर चाहिए? आपको मिलाती हूँ ना। कौन? मैं आपका परिचय करा देती हूँ सर। ये नए प्रोड्यूसर है, यही बैठे। सर ये जाने माने डायरेक्टर इंद्रजीत है। हेलो सर, ये आपके साथ फिल्म बनाना चाहते हैं। कैसी फिल्म? मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, अगर आप इसे प्रोड्यूस करें। हीरो कौन है? हीरो अपना आमिर या शाहरुख को ले लेंगे। दो हीरो ले लेंगे और एक हीरोइन ले लेंगे, ठीक है ना? इतनी बड़ी फिल्म के लिए शाहरुख को क्यों, मुझे ही रख लो। आप, आपके साथ मजाक कर रहे हो? क्यों, मैं नहीं जमता क्या? आप मेरी फिल्म में? मैं वो डायरेक्टर हूँ जो कुत्ते को भी हीरो बना देता हूँ, समझे? सर एक चिड़िया की कहानी सुनाता हूँ। चिड़िया की कहानी? हाँ सर सुनिए। सुनाओ। हाँ, एक छोटी सी चिड़िया थी, बर्फ के पहाड़ों पर उड़ती ही जा रही थी। सर्दी ज्यादा थी इसलिए धप से गिर पड़ी, ठंड से कांपने लगी। इतने में बाजू से भैंस जा रही थी और उसने चिड़िया के ऊपर गोबर कर दिया धप्पा, और कहने लगी हे भगवान मेरा साथ ऐसा क्यों होता है। फिर वो अपने आप को साफ करते हुए चुपके से बाहर आई और उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला। इस आनंद में चिड़िया पेड़ पर बैठ गई और गाना गाने लगी, ला 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 ला। इतने में वहां उसके पास एक बिल्ली आ गई, उसके और करीब आ गई और उसे देखा, फिर उसे पकड़ कर अच्छी तरह पानी में धोया, उसे गट से निकल गई बस। कहानी अच्छी है। ऐसी कहानी है सर। इस कहानी का रूल नंबर वन, हमें किचन में धकेलने वाला शत्रु नहीं होता। रूल नंबर टू, हमें किचन से निकालने वाले को भी कभी दोस्त नहीं समझना चाहिए, पता नहीं क्यों निकाला हो। नंबर थ्री, जब हम कीचड़ में होते हैं, आई मीन व्हेन यू आर इन डीप शीट, तब हमारी बोलती बंद होनी चाहिए, बकवास नहीं करना चाहिए, समझे? इन बातों को तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक फ्लॉप डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर तुमसे घबरा रहा है, इसलिए कुत्ता वित्ता कभी किसी को नहीं कहना चाहिए। हाँ बेटो। आया सर। शॉट रेडी है। एक्शन। मुझे मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कट कट कट। वन मोर। मेरे लिए ओके, मेरे लिए ओके है भाई। रेडी मेनो? ओके रेडी सर। लड़के को क्यों तंग करता है? हाँ सब कुछ तो बराबर दे रही है। रेडी टेक। hey, कौन बोल रहा है वहां पर? साइलेंस। क्लैपिंग। टेक टू। एक्शन। मुझे मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कट इट। ओके रवि, ये कौन है? बहुत गड़बड़ कर रहा है प्रोड्यूसर बन के। आप रिलैक्स हो जाइए सर, मैं बात करता हूँ। How are you? तेरी फिल्म को मैं ही फाइनेंस कर रहा हूँ, जानती है ना? हाँ जानती हूँ। फिर कब आएगी? अभी आएगी। चलो अभी मूड बना के आते हैं, 5 मिनट के लिए चल। हाँ कहती है तो चल चलते हैं। भाई, अरे तुम लोग गोवा से कब आए? और क्या खबर है? भाई संध्या की शूटिंग चल रही है भाई। बहुत बढ़िया भाई। कैमरामैन अबे इधर अबे। ए संध्या इधर आ। मेरे फिल्म की ये हीरोइन है, तुम इसको ले जाके अच्छे से तैयार करो, व्हाइट साड़ी पहनाओ, क्लोजअप में इसकी नाभि दिखा के कैमरे को इधर से धीरे से ऊपर तक लाओ। भाई डायरेक्शन कर रहा है, बहुत अच्छे भाई। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर। क्या बात? उस रात जो मुमित मैडम का रेप किया गया था वो इन्हीं लोगों ने किया था सर। और आगे सुन, इसको छोटा सा चड्डी पहना। कौन है वो? अभी जो दो लोग आए हैं वही हैं सर। बहुत अच्छे लगे।
नीचे एक फैन लगा, बाल ऊपर उड़ेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगी। एक जबरदस्त घोड़े को लेकर और इसको उसके ऊपर सुला दे तो पूरा खुला आसमान दिखेगा। क्या बोला भाई? तुम जाओ, मैं देखता हूँ। अरे इधर डाल चल। अरे इधर के लिए यार, इधर डाल यार। अरे क्या कर रहा है? अरे मेरे को डाल रही यार, देख यार। अरे यार तू उधर क्यों मार रहा है? अरे इधर ला, इधर ला, इधर ला। मेरा हेलमेट क्यों लेके जा रहा है? ए रुक ना, ए का, ए वो हेलमेट मेरा है, ये सुनता नहीं है क्या? अरे अरे ए रुक ना। कौन है रे तू? सबका दो इसको। छोटे तुम लोगों को किसने मारा? ए तू बोल भाई, अब मर रहे भाई। कौन हो, कौन हो, किसने मारा मेरे भाइयों को? हाँ, तुम दोनों को वही क्यों काटा है? थोड़ा धीरज रखो भाई। मतलब किसी ने इन्हें बड़ी बेदर्दी से मारा है, दोनों के पिछवाड़े ही काटा है। जगह नरम होने की वजह से जख्म गहरा हो गया है। मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें टाके लगाए हैं, मगर जब भी ये टॉयलेट जाएंगे तब टाके टूटने का डर है। मैं फिर लगाऊंगा वो फिर टूट जाएंगे, मैं फिर लगाऊंगा वो फिर टूट जाएंगे। ये तो एक प्रोसेस है सर। लेकिन काटने वाले ने इनकी चूतड़ को क्यों काटा? इनकी गर्दन काट देता। मतलब ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है सर। इस पनिशमेंट में ना तो ये लड़के सो सकेंगे, ना ठीक से बैठ सकेंगे, और नीचे झुकेंगे तो टाके टूट जाएंगे। ठीक है सर, मैं समझ गया। तुम्हारा बिहेवियर कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हें किस बात पर गुस्सा आता है, किस बात पर नहीं आता, मुझे नहीं पता। तुम कहना क्या चाहती हो? यादव के भाइयों को तुम ही ने, मैं जानती हूँ। हाँ, मैंने। ऐसा क्यों किया? उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया? मुझे कोई कुछ कहे सह लूंगा, लेकिन कोई मेरे फिल्म वालों के बारे में कहे मैं चुप नहीं बैठ। क्या मुझे अपनी फिल्म वाले समझते हो? मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए। तू है बेचैनी करार, तू
आंखों का सपना तू है, सपनों की रानी तू है, मेरे दिल की धड़कन तू है, जानिए होठों की लाली तू है, कानों की बाली तू है, आ जा रे अब तू आ जा बाहिरे, एक पल भी अब जाए ना जिया मेरे बिना रे, कैसी है अगन दिल में है भरे तू न जानिया वे, ओ प्रियतमा प्रियतमा प्रियतमा, ओ प्रियतमा प्रियतमा प्रियतमा, हल्ले हल हल्ले 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 हल हल्ले 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 ले ले हल्ले ले ले, मेरे दिल का चांद तू है, बेचैनी करार तू है, यारा मेरा प्यार तू है, हाँ तू है, नजर में तू है, मेरे जिगर में तू है, दोनों जहां में तू है, जाने मन तेरी बाहों में आके थोड़ा सा मैं शर्मा के पागल बना दूं तुझको, ओ सजन मैं पिघल गया तेरी गर्मी से बर्फ की तरह रे, तू ही जिंदगी तू ही है मेरी जीने की वजह रे, नारियल फोड़ना बाकी है सर, सर 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 चेक अभी मत डालिए सर, मैं जब कहूंगा तब डालिए सर, फोन रखता हूं सर, थैंक यू सर, अरे वो लाया कि नहीं, रेडी है सर, टेक करते हैं, रेडी सर, रेडी, उस डब्बे को इधर घुमा रहे, कूल कूल डाउन कूल डाउन, क्या रवि ये क्या हो रहा है, प्लीज सर, ओके ओके, रेडी सर, रेडी, क्लैपिंग, एक्शन, रवि 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 क्या बकवास कर रहा है तू, शांत हो जाओ, क्या बकवास कर रहा है तू, तू कौन होता है एक्शन बोलने वाला, रवि रवि छोड़ दे, रवि कौन होता है तू, रवि रवि कूल डाउन, मेरे खिलाफ मत फायदा मत ले, शांत हो जा, छोड़ मुझे छोड़ो, बर्दाश्त की भी एक हद होती है, समझे, इस फिल्म के लिए पैसा मैंने लगाया है, ये फिल्म तेरी नहीं मेरी है, आओ देखता हूँ, देखता हूँ तू क्या उखाड़ लेगा, आज शूटिंग का लास्ट डे, शूटिंग बंद करवा दूंगा, तेरा लास्ट डे कर ले, छोड़ दो मुझे, तब जाने दे इसको, रवि चुप रहो तुम, मैं संभालता हूँ, मेरी बात सुनो, तुमको फाइनेंस किया, हम लोगों को खरीदा नहीं है तूने, शिंदे साहब अपने फाइनेंस को समझा लीजिए, ये अच्छा आगे बढ़ रहा है, ये ठीक नहीं, रवि तुम उधर चलो, मैं संभालता हूँ, ठीक, मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, मैं चाहता हूं कि कट 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 कट, सुनिए सर, तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं है सर, ओके, उसके ओके, बाद ओके, एक डॉट पॉज लीजिए, ठीक, ला मुझे सुनो, गुड मॉर्निंग भूषण जी, गुड मॉर्निंग भूषण जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, फर्स्ट रील के बैकग्राउंड सुनाइए, जस्ट टू मिनट्स, अभी रील चलाएंगे, रमेश तू पीआर को फोन लगा और उसे यहां बुला ले, सर रील चला है, आप देख लीजिए, हाँ ओके, रुको 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 रुको, पीछे पीछे पीछे, ये क्या स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये क्या हो गया, टाइटल बदल दिए, पता नहीं, ये तो मैं भी नहीं जानता, मैंने भी अभी देखा, यहाँ तो मेरा नाम होना चाहिए था, कोई मिस्टेक हुई है या फिर कोई, क्या पता, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा सर, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यादव, कैसा लग रहा हूं,
हाँ? मेरे एक बार एक्शन बोलने से तू बहुत भड़क जाता है। मेरे को बोला क्या उखाड़ेगा, इसलिए मैंने तेरा नाम ही उखाड़ दिया। अब ये मेरी फिल्म है, इस फिल्म का डायरेक्टर यादव तू कौन है रे साला? हाँ? मेरे स्टूडियो में तू क्यों आया? चल रे साले, चल चल, सबको यहाँ से बाहर निकालो। रवि चल, हड्डियां तोड़ दूंगा, चल बे चल। रवि चल, अपने आप को डायरेक्टर समझता है क्या? कैसा लगा मेरा डायरेक्शन? इसे बाहर निकालो, चल साला। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है रवि, अब मुझे घर बेचने की नौबत आ गई है। हालात ये है कि उसने फिल्म अपने हाथ में ले ली है, मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय होगा। सर अब मैं क्या करूं सर? यादव तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। और तुम भी ऐसा मत करना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो फिल्म में हीरो होगा? बाहर नहीं, बाहर ये यादव हीरो है। अपना मुंह बंद रख यादव, मत बोल। होनक रवि का नाम फिल्म से निकाल दिया? हाँ मैडम, उन्होंने उसके साथ बहुत बदतमीजी भी की। छे, ये तो धोखा है। अब क्या करेंगे? डायरेक्टर्स एसोसिएशन में जाएंगे। वो लोग क्या करेंगे? प्रोड्यूसर काउंसिल में जाएंगे, फेडरेशन से बात करेंगे। हम लोगों की मीटिंग होने तक पिक्चर प्रिंट होकर थिएटर में रिलीज भी हो जाएगी। ऑलरेडी पोस्टर्स पर यादव का नाम छप चुका है ना यार। ए, खाली पोस्टर पे नाम देने से क्या होगा यार, वो रातों रात अपने नाम के पोस्टर हर जगह लगवा देगा। बोल रवि क्या करें? मैं संध्या बोल रही हूँ। संध्या मैडम, हाँ? तेरी तरफ से मेरे को फोन आएगा, अपन सोचा भी नहीं था। क्या बात है, क्यों तेरे को मुझ पे इतनी दया? रवि का करियर बर्बाद मत करो, उसने इसके लिए बहुत मेहनत की है। प्लीज उसके साथ अन्याय मत करो। डायरेक्टर से प्यार हो गया है, फिर मुझे क्या मिलेगा? मैं तो कुत्ते की तरह तेरे पीछे घूम रहा हूँ। फिर भी भाव नहीं दिया और उसके लिए मुझे फोन करती है। ठीक है, अब तू क्या चाहती है बोल। स्क्रीन पर रवि का नाम देखना चाहती हूँ। ऐसा है तो तेरे को मेरे साथ सोना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, है ना? मैं किसी और लड़की के लिए इतना पागल नहीं था। सन सन सन, आग लग रही है इधर। आजा सो जा, नाम ले जा। आओगी ना मैडम? आ रही हूँ। हमने प्रोड्यूसर काउंसिल को फोन लगाया लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सके। मैंने डायरेक्टर एसोसिएशन में बात किया तो जान से मारने की धमकी दी है। पिक्चर कल रिलीज है, ऑलरेडी प्रिंटिंग शुरू हुआ है, अब क्या करें यार? सुनो, अब हम डायरेक्शन नहीं करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। डायरेक्टर व्हाट 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 डायरेक्टर, आज कुछ फैसला होकर रहेगा, अब हम गुंडे हैं। एरिया निजाम सर, पूरा पैसा इधर टेबल पे रख दे। रख दिया सर। ईस्ट वेस्ट से आए हैं सर, पैसा क्या आपको देना पड़ेगा सर? हाँ ये फिल्म अपन का, पैसा अपन को नहीं देगा तो किसको देगा? हेलो, कैसे हो डायरेक्टर साहब? बड़े ही रोमांटिक मूड में लग रहे हो। कौन है? मैं रवि भाई बोल रहा हूँ। रवि भाई, अगर एक गुंडा डायरेक्टर बन सकता है तो एक डायरेक्टर गुंडा बनने में क्या बुराई है? हाँ अच्छा, क्या उखाड़ लेगा तेरी संध्या? तो मेरे बीच जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ। तू एक बात जानता है, तेरे दोनों भाई मेरे लातों के नीचे। क्या?
क्या बोला? क्यों यकीन नहीं है? ले बात कर, बात कर। भाई इसने तुम्हें हॉस्पिटल से उठा लाया। अबे सुन, दूसरे कुत्ते से बात कर। सुन भाई, तुम्हारी वजह से हमारी हालत हुई है, अब आके झुला लो हमको, जल्दी करो। इतने गुस्से में क्यों बोल रहा है तू? पेन 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 है ना? अभी सुना तूने? अभी और सुनेगा तू? मार डालूंगा साले। ए, सुन 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 सुन, आज तेरा एक प्रिंट भी लैब के बाहर नहीं आएगा, जो करना है कर ले। दम हो तो आजा। आजा? ए, 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 अभी सुना तूने? तू एक और बात जानता है? तेरे भाइयों की बैंड बजाने वाला और उनके पिछवाड़े काटने वाला भी मैं ही हूँ। अरे अब तुझे भी काटूंगा। आजा आजा आजा, तुझे देखता हूँ मैं। अरे तू आ तो सही, आजा। कौन सा एरिया है तुम्हारा? चलो पैसा निकालो, वरना एक भी प्रिंट बाहर नहीं जाएगी। कौन है तू? रोकने की हिम्मत? क्लाइमेक्स के बारे में मेरे से मत पूछ, यहाँ क्लाइमेक्स ही चल रहा है। अरे खुद डायरेक्टर होकर तुम फिल्म को क्यों रोकना चाहते हो? डायरेक्टर मैं नहीं हूँ, डायरेक्टर इज ऑन द वे। आ रहा है वो, आ रहा है। मैंने तुझसे कहा था ना, पहुंचने से साफ होने वाली चीज को मैं 100 नहीं 1000 बार भी अपने हाथों से पहुंचने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू मुझे साफ करना चाहेगा तो तू खुद साफ हो जाएगा। आज तू या मैं, दोनों में से एक ही रहेगा। अरे ये बात नहीं है, यहाँ 2 डायरेक्टर हैं, उनमें से कोई एक मरेगा तो प्रिंट बाहर आ सकता है। अभी तू फोन रख दे। भले ही तुम्हारी जान चली जाए, लेकिन इसे जिंदा मत छोड़ना। जा 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 जा। रवि, मार दो उसे, मार डालो, छोड़ ना उसे। आजा। स्टोरी? हाँ, स्टोरी तूने लिखी है? हाँ, स्क्रीनप्ले, स्क्रीनप्ले तूने लिखा? हाँ, और डायरेक्शन? डायरेक्शन तूने किया है? हाँ, डायरेक्शन? डायलॉग्स भी इसने लिखे हैं रवि।
डायलॉग्स लिखे इसमें। अरे डायलॉग, डायलॉग तूने लिखे है ना? रवि, पिक्चर में से इसका नाम निकाल दिया है, पिक्चर की प्रिंटिंग शुरू हो गई है, उसमें तुम्हारा ही नाम लिखा है। अभी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तुम थिएटर में चले जाओ रवि। आजा, आजा, आ तू या मैं, आजा, 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 आजा। हेलो कमिश्नर साहब। हाँ बोलिए, बोल रहा हूँ। बात यह है कि हमारे डायरेक्टर पे किसी ने हमला किया, आप उस यादव को जानते हैं ना? मैंने उसे गन से शूट कर दिया। जिंदा है या मर गया? पता नहीं, उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। उसने डायरेक्टर पर नहीं, अचानक आप पर हमला कर दिया, ये कही है बस। ओके, अब आप घर जाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब हमको कोई फिक्र नहीं, मैं प्रिंट ला रहा हूं, बाकी मैं आकर बताता हूं। हेलो संध्या बेबी, तुम एक बात जानती हो? What? I love you. I know. कोई नई बात बताओ। रवि, सारे प्रिंट्स निकल चुके हैं। एक घंटे में प्रिंट्स थिएटर पहुंच जाएंगे और अगले घंटे में फिल्म रिलीज भी हो जाएगी। जबरदस्त हिट होगी, तू टेंशन मत ले यार। रवि, क्या कहा? फिल्म लग जाएगी, हम घर जाएंगे, फिल्म सुपर हिट हो जाएगी, हम फिल्म बनाना बंद कर देंगे। फिल्म हिट होगी तो एक और फिल्म बनाएंगे, फ्लॉप होगी तो भी एक और बनाएंगे। हमारा कर्म और धर्म सब फिल्म ही है, इसके सिवा हमें कोई काम आता ही नहीं। हम एक ही बात जानते हैं, सिनेमा सिनेमा सिनेमा। ए मुंबई नगरी ये रामा, मुंबई नगरी ये रामा, सिनेमा लाइफ है रामा, लाइफ ही सिनेमा रामा। कहीं पे है फैमिली ड्रामा, कहीं पे एक्शन हंगामा, काम है तो माल है रामा, नहीं तो पाका है रामा। है फिल्म ही दुनिया, अपनी ये दुनिया, चक्का सियारा, ये फिल्मी कीड़ा, जिसको भी काटा वो घर ना लौटा। करेंगे हम भी कोई हंगामा, हम तो है एक दिन छा जाना, गाएगी दुनिया अपना तराना, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे रामा। ओ मुंबई नगरी है रामा, मुंबई नगरी है रामा, सिनेमा लाइफ है रामा, लाइफ ही सिनेमा रामा, रामा।